तो गाइज वॉट ऑफ़ दिस इज मॉश एंड वेलकम बैक टू वॉट वॉट गोनी चैनल सो चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए क्राउड क्राउडेशन एंड अपॉन फुल स्टैक एप्लीकेशन बट उन सारी चीज़ में मैंने यू यूज़ किया है बेसिकली सीक्वल इन द बैकंड कहीं के मैंने रिएक्ट यूज़ किया फ्रंट एंड में कहीं के मैंने नोट यूज़ किया है और कहीं कहीं मैंने ई जी एस टेम्पलेट भी यूज़ किया है विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क ओके बट अभी मार्केट में या बेसिकली ज़्यादा जॉब्स अभी आ रहे हैं रिगार्डिंग मन और मुझे काफ़ी कॉमेंट्स आते हैं भैया एक मॉन स्टैक के ऊपर एक वीडियो बनाओ सो so, ये वीडियो वही है मैं बेसिकली एक एप्लीकेशन एक कंप्लीट क्राउड ऑपरेशन बिल्ड करने वाला हूँ इस वीडियो में बट दिस टाइम यूजिंग मॉन स्टैक मॉन क्या होता है मॉन बेसिकली होता है एम फॉर मोंगो टी वी आर फॉर रिएक्ट ई फॉर एक्सप्रेस एंड एन फॉर नोड बेसिकली एक बैक एंड का फ्रेमवर्क एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क और एक डेटा बेस जो कि है मोंगो टीबी विच इज़ अ नो सिक्वल डेटा बेस इन सारा का यूज़ करके हम लोग एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे विच इज़ अ बेसिक वन एक बिगिनर बेसिक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पर आप सीखोगे कि कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस कैसे बनता है कैसे हम सारा में इंट्रैक्शन करते हैं कैसे हम क्रिएट करते हैं कैसे हम रीड करते हैं डेटा को कैसे हम एडिट करते हैं एंड कैसे हम डिलीट करते हैं ठीक है एंड बेसिकली के लिए मैंने कहा कि मैं एकदम बेसिक एकदम बिगिनर फ्रेंडली वे से आप लोगों को समझाऊं, सो so दैट अगर आप लोगों को किसी बार में आइडिया नहीं हो फिर भी आप वीडियो देख के समझ जाओ बट अगेन अकॉर्डिंग टू मी आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपॉन रिएक्ट अपॉन नोट जेस एंड अपॉन अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्रेस अगर आपको मांगड़ी भी नहीं भी आता है तो मैंने ट्राई किया कि मैं यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेरीज़ रन करके दिखा दूँ कि कैसे मांगड़ी पर काम करता है बेसिकली वो सिंपल है वो सीक्वल जितना कॉम्प्लीकेटेड नहीं है सो आप बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं एक्जैक्ट अप्प्लीकेशन जो है बैठ के वो वीडियो में एंड देन वे स्टार्ट कोडिंग एंड गाइज ऐसे वीडियोज़ बनाने में मुझे काफी एफर्ट लगता है क्योंकि मैं ट्राई करता तो हूँ मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो में बीट एक घंटा या बीट दो घंटा मैं सारा कुछ कवर कर दूँ तो डट आप लोग को एक फ्लो बना रहा है एंड इट विल बी ईजी फॉर यू फॉलो इन सो ये अगर आप लोग को मेरा एफटर्ट मेरा यू समझाने का भी सही लगता है तो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेट्स गेट स्टार्टेड सो दिस इज दैट अपलीकेशन अपलेट करेंगे इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में सो so पहले यूजर यहाँ पे आएगा और अपना नेम ई और एज देगा एंड देन हेल्प एस ऑन सबमिट सबमिट करते के साथ ही एक नया पेज ओपन होगा एंड जहाँ पे सारा डेटा जो भी बैकेंड में सेव है वो सारा हमें यहाँ पे दिखेगा उसके बाद सपोज मुझे कोई एक डेटा यहाँ पे एडिट करना है सपोज दिस वन सो सोल गो हेयर एडिट एंड हेयर जॉन अब्राहम एंड देन सबमिट तो देखो यहाँ पे सबमिट हो गया एंड देन पेज अगेन केम बैक टू ऑल पोस्ट पेज ठीक है उसके बाद सब मुझे यहाँ पे कोई डाटा रिमूव करना है सपोज ये वाला तो आई क्लिक ऑन दिस डिलीट और आप ये यह देखो यहाँ पे एक पॉप आएगा एंड द पेज विल डिलीट एंड अगेन वी कैन सी ऑल द डेटा जो कि अभी प्रेजेंट है बैक एंड में एंड इतना ही नहीं हम लोग यहाँ इस नेविगेशन बार से नेविगेट भी कर सकते हैं सपोज मुझे फिर से कोई डाटा क्रिएट करना है हैल गो ऑन दिस क्रिएट पोस्ट एंड आई कैन एंटर हियर एंड मुझे अगर देखना है सारा डाटा तो एल गो टू दिस ऑल पोस्ट एंड आई कैन सी ऑल द डेटा प्रेजेंट हियर इतना ही नहीं हमने यहाँ पे बैक एंड रिलेशन भी ऐड किया हुआ है सपोज जैसे कि ये ई ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे बैक एंड में बट इफ आई ट्राई टू क्रिएट वन मोर डेटा बेस्ड विद द सेम ई मेल इट विल थ्रू एन एर अगर मैं यहाँ पे उसे पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स गिव हेयर एनी थिंग एंड सबमिट देखो तो यहाँ पे एरर बताएगा कि बैकएंड में ऑलरेडी मौजूद है ये ईमेल एंड बेसिकली ये जो एरर आ रहा है ये बैकएंड से आ रहा है ये हम बैकएंड से फ्रंटएंड में शो करवा रहे हैं right so और अपने तो बेसिकली एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है अपॉन द सेम विच इज़ अ मन स्टैक एप्लीकेशन ठीक है एंड बेसिकली हम पूरे वीडियो में इसी को फॉलो करेंगे सो और मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझा सकूँ सारा कुछ एनकल हो और आपको भी कोई डाउट हो तो आप सीधे यहाँ पर आकर देख सकते हो जैसे कि आपको सपोज अगर मोंगोडे भी इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर आ कर देखोगे कि उसका क्या क्या लिंक्स है और क्या क्या स्टेप्स हैं तो आपके लिए भी ईजी होगा और मुझे समझाने में भी ईजी होगा सो विद डैट सेट मैं आ चुका हूँ अपने फोल्डर में सो so मैंने बेसिकली एक एम्प्टी फोल्डर बनाया है मन ऐप नाम का और इसके अंदर हम पहले अपने बैक एंड और फ्रंट एंड को इनिशिएट करते हैं कैसे करेंगे तो हम आते हैं यहाँ पे राइट क्लिक न्यू फ्रंट एंड यहाँ हम लिखते हैं फ्रंट एंड बेसकली आप यहाँ पर क्लाइंट लिखो फ्रंट एंड लिखो जो भी आपका मर्जी है एंड सेकेंड हमारा होगा यहाँ पर बैक एंड और अब मैं बेसिकली शिफ्ट और राइट के हेल्प से वी एस कोड में जाऊँगा और यहाँ पे हम पहले आते हैं बैकएंड में ठीक है और तो आपको बेसिकली कंट्रोल और बैक्री दाबना है या फिर आप लिए टर्मिनल में आके यहाँ पे न्यू टर्मिनल में जा सकते हो एंड यहाँ पे हम पहले आते हैं बैकेंड में ठीक है और यहाँ पे हम लिखेंगे एन पी एम इनट एंड एंटर तो बेसिकली यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शनस पूछेगा तो आप यहाँ दे सकते हो या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो तो मैं बेस्कली सारे ऑप्शन यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ ठीक है yes. so एंड यस सो देखोगे कि बैकएंड के अंदर आपका एक पैकेज डॉट जेस नाम का एक फाइल यहाँ बन चुका है ठीक है दिस इज़ नॉट अनफ इसके बाद आपके पास एक दो चीज़ है या एक दो पैकेजेस है जो कि आपको और इंस्टॉल करना है टू रन योर बैक एंड बट फिलहाल के लिए हमने इसको इनिशिएट कर दिया है और अब आते हैं हम, हम अपने फ्रंट एंड में और फ्रंट एंड के लिए हम क्या करेंगे हम एक न्यू टर्मिनल यहाँ प्लस में जाएंगे और यहाँ हम जाते हैं सी डी फ्रंट एंड एंड बेसिकली फ्रंट एंड में हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट को सो विल इनिशिएट रिएक्ट सो वो कैसे होता है वो होता है एम पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और मैं यहाँ दूँगा डॉट क्योंकि मैं बेसिकली इसी फोल्डर में चाहता हूँ कि इसको इनिशिएट करूँ एंड एंटर सो बेसिकली रिएक्ट को इनिशियट होने में कुछ टाइम लगता है तो उसी बीच हम जाते हैं अपने बैक वाले में ठीक है और यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं क्या क्या पैकेज हमें लगेगा सो so बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने साइट में तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या पैकेज आपको इनिशियली लगेगा सो so बेसिकली ये तीन पैकेज है मैं पहले इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे आता हूँ एंड और मैं आपको सारे पैकेजेस का यूज़ भी समझाऊँगा आगे जैसे इसका यूज़ आने वाला है ठीक है एलप्रेस एंटर और अब मुझे एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है नोड मॉन एंड ये बेसिकली मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इन डेव डिपेंडेंसी ठीक है क्यों ऐसा बताता हूँ एंटर सो एक बार इसको इंस्टॉल होने दो ओके सो बेसिकली सारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अगर हम अपने पैकेज डॉट जेसन में आए बैकेंड का तो अब देखो जो हमने तीन डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया था वो बेसिकली डिपेंडेंसीज के अंदर है और जो हमने नोट मॉन किया था वो डेव के अंदर है क्यों क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नीड है जब आप इसको प्रोशन में यू नो पुश करोगे तो हमें इसका नीड नहीं पड़ता है इसीलिए हम उन पैकेजेस को जिसको आपको प्रॉड में यूज़ नहीं है उसको हम डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करते हैं ठीक है ओके हम क्या करेंगे हम यहाँ पर आते हैं Uh, हम अपने बैकएंड वाले फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक एंड विल मेक अ न्यू फाइल हेयर एंड विल नेम इट एज सर्वर और सर्वर डॉट जे फाइन सर्वर डॉट जे ठीक है और अब क्या करेंगे यहाँ पे हम सो so अब बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस ठीक है एंड यहाँ लिए हम एक ऐप नाम का बनाएंगे वेरिएबल और इसके अंदर हम एक्सप्रेस uh, को इनिशिएट कर देंगे ठीक है ये हम क्यों कर रहे हैं समझाता हूँ बस एक सेकेंड इसके बाद हम क्या करेंगे हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे ऐप डॉट गेट यहाँ पर स्लैश करूँगा यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पास करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके एंड यहाँ वी कैन राइट लाइक ए रनिंग ठीक है और इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे एक हमें चाहिए पोर्ट नंबर जहाँ पे हमारा ये जो भी हमने ए बनाया है ये वाला ये रन हो उसके लिए मैं फ़िलहाल के लिए देता हूँ चार हज़ार और राइट एंड इसके बाद एक और काम है हमारा वो ये है कि हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में और यहाँ पे हम बेसिकली इसके अंदर आते हैं ये स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे मैं इंस्टॉल यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूँगा स्टार्ट ठीक है और यहाँ लिखूँगा नोड मॉन एंड जो हमारा सवर का नाम है ये सवर डॉट जेस ये हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एंड कॉमा बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नोड मॉन है वो हेल्प करता है आपका आ, सर्वर को ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करने में दिखाता हूँ आपको आगे अभी हम सेव करते हैं इसको और हम यहाँ पे आएंगे अपने बैकएंड वाले टर्मिनल में और यहाँ पर लिखेंगे एन पी एम स्टार्ट एंड एंटर ऑल राइट सो छोटा सा अपडेट बेसिकली सिंस हमने यहाँ पे नोड मॉन को डेव डिपेंडेंसीज के अंदर इंस्टॉल किया था सो so आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर आप लिखोगे डेव और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे नोट मॉन सवर डॉट जे एस यानि इस फाइल का नाम एंड देन आपको यहाँ पे आना है एंड लिखना है एन पी एम रन डेफ एंड इट विल स्टार्ट रनिंग सो अगर अब मैं कुछ यहाँ पे चेंज करता हूँ लेट्स से लेट मी ऐड यर समथिंग सेव किया यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश किया अब देखो यहाँ पे आने लगा ठीक है सो so बेसिकली यहाँ हमने कुछ कुछ चीज़ें की जैसे कि हमने एक्सप्रेस नाम का पैकेज को पहले इंस्टॉल किया उसको यहाँ पे रिक्वायर किया एंड देन उसको इंस्टेंशिएट किया यानी हमें बेसिकली एक्सप्रेस पैकेज एक फंक्शन देता है जिसके थ्रू हम नोट जेस को ज़्यादा ऑप्टीमाइज एंड ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए आप इतना ही समझो आपको उसके बारे में ज़्यादा अगर जानना है तो आप डेफिनेटली जाके एक्सप्रेस पैकेज के बारे में पढ़ भी सकते हो फ्रॉम हियर ओके बेसिकली ये एक नोट uh, जेस का पैकेज है जो कि आपको हेल्प करता है नोट जेस को ज़्यादा ऑप्टिमाइज और ज़्यादा प्रॉपर वे में लिखने के लिए ठीक है सो uh, so एक वो हो गया एंड सेकेंड बेसिकली यहाँ पर हमने बनाया अपना पहला ए जहाँ पे सिर्फ स्लैश लिखते के साथ ये वाला चीज़ हमें यू में दिखेगा एंड हमने इसको बेसिकली यहाँ पे रन किया पोर्ट नंबर इस पर uh, ये था हमारा बेसिक अभी तक एंड आप देखोगे तो इसी बीच हमारा फ्रंट एंड भी इंस्टॉल हो चुका है पूरा का पूरा यहाँ पे एंड वी कैन जस्ट डू एंड वे मे स्टार्ट एंड आवर रिएक्ट विल रन ओके बट इनिशियली मैं सारा ध्यान अभी दूंगा बैक एंड पे हम अपने बैक एंड को पूरे अच्छे से बिल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद हम फ्रंट एंड में आएंगे सो so, अभी के लिए हम फ्रंट एंड को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं ठीक है ओके सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें बेसिकली मोंगो डी को इंस्टॉल करना है और उसको हमें अपने बैक एंड से लिंक करना है सो एज़ मोंगो टी को इंस्टॉल करने का दो वे है चाहे तो आप मोंगो डीबी को जो इसका एटलस सर्वर है उसी पे आप रन करो और हम सारा डेटा को वहीं पे स्टोर करवा सकते हैं या फिर इसका सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप मोंगो टी को लोकली अपने पी में इंस्टॉल कर लो एंड देन वी कैन मेक आवर पी एज सर्वर और हम इसी में अपना डेटा को इंस्टॉल करवा सकते हैं सो so, मैं बेसिकली इस वीडियो के लिए मैं लोकली इंस्टॉल करने वाला हूँ सो दैट आप समझो कि हम कैसे टर्मिनल में मोंगो डेवी को लिखते हैं और हम कैसे उसको यूज़ करते हैं ठीक है ऑफकोर्स आप अगर जाओगे यहाँ पर इसके साइट में और आप अगर साइन इन में जाओगे डेट मी शो यू फर्स्ट तो आप देखो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट करने का और आप यहाँ पे जाके अपना क्लस्टर से आपका जो भी कलेक्शन है उसको आप यहाँ पे बना सकते हो ये एक वे है बट मैं बेसिकली इसको लोकली इंस्टॉल करूँगा मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसको लोकली इंस्टॉल करो सो so दैट आप इसको यूज़ करना सीखो और इसके कमांड से थोड़ा यू नो परिचित हो जाओ सो so, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमें बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ इंस्टॉल करना है एक आपका हो गया ये मोंगो डीबी कम्यूनिटी एडिशन जो कि आपका मोंगो डीबी का इंस्टॉलर पैकेज है और सेकंड है आपका मोंगो डी शेल ये कंपास compass, कंपलसरी नहीं है बट आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो सो so, अगर मैं इस साइट में आऊँ पहला वाला में तो देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है आपको इसको इंस्टॉल करना है और इसको रन कर लेना है ठीक है सिंपल एज दैट एंड सेकेंड है आपका ये मोंगो डी बी शेल आपको यहाँ पे आना है एंड बेसिकली इसको भी आपको यहाँ पे आकर डाउनलोड कर लेना है ठीक है एक बार आपने दोनों को डाउनलोड कर लिया तो आप मोंगो डीबी जो कम्युनिटी एडिशन इसको आप पहले इंस्टॉल करो अपने पीसी में इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सो बेसिकली इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा आपको आना है अपने आ, प्रोग्राम फाइल्स में और यहाँ पे आपको मोंगो टी के अंदर आना है सर्वर में आना है ओके एंड यहाँ बिन में आना है एंड आपको ये वाला जो पाथ है ऊपर से कॉपी कर लेना है और फिर अपने इन्वॉर्मेंट वेरिएबल्स में आपको जाना है आई होप जाओ में हम ये चीज़ काफ़ी करते हैं एंड यहाँ पाथ में आना है एडिट करना है और आपको अपना पाथ दे देना है बिन वाला ये हो गया एक चीज़ सेकंड क्या है सेकंड हमने सिंस मोंगो शेल को जो हमने इंस्टॉल किया था ठीक है ये वाला इसका जो फोल्डर है इसको आपको कॉपी करना है और अपने सी ड्राइव में डाल देना है यहाँ पे ठीक है एंड अब क्या करना है आपको इसको ओपन करना है एंड इसका बिन जो इसका बिन है इसको भी आपको यहाँ पे कॉपी करना है और आपको इन्वामेंट वेरिएबल्स के अंदर सिमिलरली डाल देना है एक बार आपने ये दो काम कर लिया उसके बाद आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है फॉर सेफ्टी पर्पज़ उसके बाद आपको यहाँ पे सी में आना है और आने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे मोंगो एस एच एंड अगर ये लिखने के बाद आपके पास इतना बड़ा सा ये चीज़ आता है कि कनेक्टिंग टू दिस पाथ और आपका जो भी यू नो वर्शन है एंड आपको आईडी आता है इसका मतलब आपका मोंगो डी चल रहा है आपके पीसी में और अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है एंड उसका आपका पाथ भी अच्छे से ले रहा है एंड आप अगर यहाँ पर आ लिखोगे सर्विस ठीक है एंड आप अगर यहाँ पे आओगे नीचे मोंगो डिबी में तो आप देखोगे यहाँ पे आपका मोंगो डिबी रन भी कर रहा है ठीक है यानी आप यहाँ से उसको स्टॉप स्टार्ट भी कर सकते हो बट फिलहाल ये रन हो रहा है आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप ये वाला आर्टिकल आकर देख सकते हो मैंने पे आप आपको बताया हुआ कि आपको क्या पाथ होगा और कैसा आपको यहाँ पे दिखना चाहिए जो भी आपका यू नो इन्वयरमेंट वेरिएबल्स है इसके बाद जो हमारा काम है वो है कि हमें मोंगो को अपने नोट के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए हम वापस से आएंगे अपने कोड में यहाँ पे एंड इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं एंड यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एम पी एम आई मोंगूस ये बेसिकली एक पैकेज है जो कि हमें मोंगो डीबी के साथ यू नो इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है ऑल राइट सो जब तक मोंगोस इंस्टॉल है मैं आपको थोड़ा सा मोंगो मोंगोडी बारे में आइडिया देता हूँ सो बेसिकली मोंगो डीबी एक नो सिक्वल डेटा है इसका मतलब ये है कि ये ये बेसिकली एक यू नो ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करता है जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका जो हैरान होता है वो ऐसा होता है कि सबसे ऊपर रहेगा डेटा ठीक है आप जो भी चीज़ अपना दोगे वो रहेगा एक डेटा टॉप पे उसके अंदर आप बनाओगे कलेक्शंस एंड उसके अंदर जो भी आपका डेटा रहेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर होता है ऑफकोर्स आप इसको डेप्थ जाके पढ़ सकते हो बट आप ऐसा कुछ यहाँ पे समझ लो सेकंड आपको इससे जब भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको कुछ कमांड्स लिखने होंगे ऑफकोर्स आप इसका जी ओ भी यूज़ कर सकते हो अगर मैं आपको एक बार इसका जी ओ भी दिखा देता हूँ सो डेट आपको स्टार्टिंग में घबरा ना जाओ सो so बेसिकली ऐसा कुछ इसका होता है जी ओ आई यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस सो so बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ कुछ डेटा बेस बनाया जैसे कि ये जो है हमारा ये है डेमो वन डेटा बेस इसके अंदर हमारा आता है ये यूज़र्स नाम का कलेक्शन और इसके अंदर जो भी आप देख रहे हो डेटा इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ठीक है तो आप चाहे तो यहाँ से एड रिमूव भी कर सकते हो या फिर हम इसको सी के थ्रू खेल सकते हैं सो इसके लिए एक साइट है जहाँ पर जो भी बेसिक कमांड्स आपको रिक्वायर्ड है डीबी के साथ खेलने के लिए वो सारे यहाँ पे मौजूद है सो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अगर हम यहाँ पे आए सीएमडी में और मैं लिखता हूँ मोंगो एस एच ओके और सपोज़ अभी मुझे यहाँ पे ना देखना है कि कितना डेटा है ऑलरेडी इसमें तो मैं लिखूँगा शो डी तो बेसिकली यहाँ पे इतना डेटा मौजूद है बेसिकली ये तीन मैंने किया बिल्ड और ये चार पाई डिफॉल्ट इसके अंदर था अब सपोज मुझे इसके अंदर आना है ये डेमो वन के अंदर सो मैं बेसकली यहाँ लिखूँगा यूज़ डेमो वन तो मैं अभी डेमो वन के अंदर स्विच कर गया अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कलेक्शंस क्या क्या है तो मैं लिखूंगा शो कलेक्शंस ठीक है तो यूज़र नाम का यहाँ पे है कलेक्शन अब देखना मुझे कि इस यूज़र के अंदर डेटा क्या क्या है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डी बी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड और आप यहाँ पे दे दो ऐसे एंटर तो जितना भी डेटा उसके अंदर था वो सारा मुझे यहाँ पे दिख गया है. अब कोर्स इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ है आप कैसे कोई एक डेटा यहाँ से उठाओगे अब कैसे इसको ड्रॉप करोगे कैसे किसी आईडी के ज़रिए आप डेटा को फाइंड करोगे बहुत कुछ है हम बेसिकली आगे देखेंगे जब हम अपना करियर ऑपरेशन आगे बनाएंगे तो हम कैसे कैसे आईडी के जरिए सारा डेटा को पिक कर सकते हैं वो सब हम बेसिकली यहाँ पर देखने वाले हैं बट अभी के लिए आपको बेसिक का आइडिया मिल चुका है ठीक है आगे बढ़ते हैं राइट सो अब जो हमारा काम है वो ये है कि हमें अपने मोंगो को अपने नोट जैस से लिंक करना है उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और जो हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था पहले हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सो so, मोंगोज लिखा मैंने यहाँ पे एंड रिक्वायर अब इसके लिए काफ़ी सिंपल है आप जैसे सीक्वल को लिंक करते हो सेम वैसे ही होगा लिंक यहाँ पे भी मोंगूज़ डॉट कनेक्ट लिखेंगे ठीक है और यहाँ पे अब आपको देना है आ, हमारा यूआरएल या जो भी हमारा यू you नो know, एड्रेस है वो क्या होगा सो so, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक मिलता है एड्रेस ये वाला तो ये जो पोर्ट है ना हमें इसको बेसिकली कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है ऐसे राइट साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक देना है डेटाबेस का नेम कि आप कौन सा डेटाबेस बेस यहाँ पर लिंक करना चाहते हो तो अगर मैं आपने अगर मैं आपको दिखाऊं, सो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा डेटा बेस है सो so आ आप एग्जिटेंस से करो या फिर आप एक नया बनाओ सो so मैं यहाँ पे एक नया बनाता हूँ सो लेट मी राइट एज मन डी ठीक है मर्न डेटा नाम का एक मैंने बना दिया अब आप बोलोगे आपने तो तक सो बनाया नहीं है सो इसके होता गया है कि ये ऑन द गो आपका ये वाला डेटाबेस बिल्ड कर देगा दिखा दूँ आपको आगे इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डॉट दिन और आप बेसिकली यहाँ पे कर दो लॉग अगर सब कुछ सही है तो आप इसको ले दो कनेक्टेड ठीक है सक्सेसफुली और कुछ एरर है तो आप तो चाहे सो कैच में कैच कर लो एरर ठीक है सो हम देखते हैं एक बार इसको हम रन करते हैं यहाँ पे npm पी एम रन डेफ और यहाँ पे कुछ एरर आ गया मोंगूस के नॉट फाइंड मोंगूस ओके सो स्पेलिंग आई थिंक मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया है राइट सो right, so अब देखो यहाँ पर शो कर रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली अब देखते हैं कि ये हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं सपोज़ मैं इसको चेंज करता हूँ सेव करता हूँ तो यहाँ पर नहीं दिखाया लेकिन कुछ एरर नहीं आ रहा है सो so बेसिकली मुझे यह करना है मैं चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट नंबर को भी उसी के अंदर डाल दूँ सो डेट अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो हमारा सर्वर भी रन नहीं हो सो so, मैं करता हूँ मैं लिखता हूँ पहले सेवन जो हमारा था और इसके बाद ओके okay, इसके बाद आप इसको कट करके यहाँ पर डाल दो ठीक है मतलब ये हुआ कि जब हमारा कनेक्ट होगा तो ही हमारा पोर्ट रन होगा एल्स नहीं रन होगा सेव करता हूँ अब सही है बट एक्चुअली आप जो भी हमारा पोर्ट नंबर है या जो भी हमारा ये एड्रेस है ये आपको ऐसे सर्वर और जे फाइल में लिखना सही नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीज़न इसलिए आपको इसको कोई एक सिक्योर फाइल में लिखना है एंड उस फाइल का वैल्यू को हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे आपका काम आता है डॉट ई ठीक है सो so हम क्या करने वाले हैं हम बेसिकली आएंगे बैकेंड में राइट लिक न्यू फाइल डॉट ई और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं दो चीज़ पहला होगा हमारा पोर्ट एंड विल रन दिस पोर्ट इन फाइव एंड सेकेंड होगा हमारा बेसिकली यू जो कि हमारा मोंगो का यू रहेगा सो आई जस्ट कॉपी दिस सिंपल एंड आई एल पेस्ट ही ठीक है एंड अब क्या करूँगा मैं मुझे इसको इस दोनों चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है उसके लिए हम लिखने वाले हैं कॉन्स्ट डॉट ई इसी के लिए मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया था डॉट ई पैकेज ये वाला uh, कहाँ गया ये वाला पैकेज ठीक है तो यहाँ पे आएँगे और डॉट ई को लिखने के बाद हमें इसके config फाइल को कॉल करना पड़ता है सो डॉट ई एन वी डॉट ऐसा कुछ फाइन एंड अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है उस चीज़ को तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे हमें लिखेंगे प्रोसेस काफ़ी सिंपल है प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट क्या था यू आर आई था तो यू आर आई एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट एंड इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा यू नो अच्छे वैसे यहाँ लिखें तो हम यहाँ डाल देंगे आठ हज़ार यानी अगर इस पर काम नहीं किया तो इट कैन वर्क इन एट थाउजेंड पोर्ट एज वेल फॉर बैकअप एंड अगर कुछ एरर आता है सो वी कैन कीप इट एज एरर हेयर ठीक है एंड विल डू इफ और लेट्स शोप देखो ये हमारा फाइनली यहाँ पे रन कर रहा है पाँच हज़ार नंबर पे और देखने के लिए कि हमारा ये वाला डेटाबेस बना है या नहीं कहाँ गया जो हमने बनाया था सॉरी वो यहाँ पे मन डी नाम का हम आते हैं अपने सी एम डी में शो डी बी एस तो यहाँ आप देखो यहाँ पे नहीं बना है अभी तक सो so, उसका नहीं बनने का रीज़न है रीज़न ये कि हमने अब तक सिर्फ यहाँ पर नेम दिया है ठीक है नेम से आपका डेटा नहीं बनता है आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा उसी के द्वारा आपका डेटाबेस बिल्ड होगा ठीक है मॉडल यानी एक स्ट्रक्चर एक ढांचा आपका डेटा का होना चाहिए कि, कि किस टाइप के एलिमेंट क्या क्या टाइप का डेटा हम उसके अंदर डालने वाले हैं जब तक आप वो सारा चीज़ नहीं डालोगे आपका डेटा बिल्ड नहीं होगा सो so, उसके लिए हम क्या करेंगे हम आते हैं बैकेंड में यहाँ पर ओके एंड विल डू यर राइट न्यू फोल्डर और यहाँ हम बनाएंगे मॉडल्स और मॉडल्स के अंदर हम बनाएंगे एक नया uh, जे एस तो कि रहेगा यूज़र मॉडल डॉट जे तो बेसिकली पहले हम यहाँ पे मोंगूज़ को uh, ले, ले लेते हैं रिक्वायर और एट्सो पहले हम बनाएंगे स्कीमा बेसिकली स्कीमा ही वो स्ट्रक्चर है जो कि डिफाइन करे कि आपके डेटा बेस के अंदर किस टाइप का डेटा रहने वाला है ठीक है सो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू uh, मोंगूज़ डॉट यहाँ लिखेंगे स्कीमा ओके okay. और अब हम इसके अंदर जो भी डेटा हम लेने वाले हैं वो सारा पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे कैसे करेंगे बेसिकली आपको लिखना है सपोज मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ मैं नेम लिखूँगा और नेम आपका किस टाइप का रहेगा तो नेम रहेगा आपका स्ट्रिंग टाइप का पहला ये हो गया और सेकेंड आपको नेम चाहिए यानी इट शुड बी कंपल्सरी और नॉट सो अगर है तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दो और यहाँ ट्रू कर दो ठीक है अब इसके अंदर और भी काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं बट फिलहाल के लिए आप यही दो समझो क्योंकि हम इसके लिए एक बेसिक यहाँ पे देख रहे हैं अब हम आते हैं नीचे कमा करके और अब देखो यहाँ पे सब कुछ ना एक ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर हो रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप मॉडल ठीक है model, तो आपका हो गया नेम नेम के बाद सपोज़ मैं चाहता हूँ ई भी आ जाए सो ई हो गया ई में मैं दूँगा टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड विल मेक दिस एज वेल कम्पल्सरी थर्ड हम करते हैं लेट्स कीप इट एज थोड़ा अलग करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं टाइप नंबर ठीक है और ये हमारा कंपलसरी नहीं रहेगा एंड uh, एक और चीज़ हाँ ई मेल को वी कैन मेक इट एज यूनिक ट्रू यानी हर बार नया ई मेल ही होना चाहिए कोई भी मेल रिपीट नहीं होना चाहिए रिपीट होगा तो आपका डेटा बेस ही एरर थ्रू कर देगा सो so, ये बस के लिए एक हमने ढांचा बना लिया है जिसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं और हमने इसको एक यूज़र मॉडल नाम का कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर कर लिया है ठीक है अब मॉडल का बेसिकली काम यह है कि हमें डेटा बेस से इंट्रैक्शन करने में मॉडल ही हेल्प करने वाला है सो so, अब बेसिकली हम यहाँ बनाएंगे मॉडल सो क्रिएट मॉडल एक्चुअली लेट्स चेंज दिस नेम ये एक्चुअली स्कीमा है ठीक है कन्फ्यूज़ होना ये स्कीमा है ठीक है और मॉडल में क्या करेंगे हम लिखते हैं लेट्स कॉन्स्ट यूज़र और या आई थिंक दिस इज़ फाइन और यहाँ हम देंगे अंगूज डॉट मॉडल और इसके अंदर पहला वाला जाएगा आपका मॉडल uh, का नेम सो बेसिकली हम लोग जो नेम यहाँ रहते हैं वही यहाँ पर रहता है बाई डिफ़ॉल्ट और सेकेंड जाएगा आपका स्कीमा का नेम यानी ये वाला ठीक है एंड फाइनली वी आर ग एक्सपोर्ट दिस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर क्विक रिविजन सो बेसिकली आप देखो यहाँ पे जो हमारा स्कीमा है स्कीमा ओनली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट ठीक है एंड मॉडल जो है वी नीड टू कन्वर्ट आवर ब्लॉग स्कीमा इन टू अ मॉडल विथ विच वी कैन वर्क विथ यानी इन सिंपल टर्म्स आपका स्कीमा एक ढांचा है जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर रहेगा और मॉडल बेसिकली एक वे है जिसके थ्रू हम अपने डेटा से इंटरेक्ट कर सकते हैं यानी जो भी आपका करड ऑपरेशन आके होगा आप देखोगे मैं सारा कुछ मॉडल वाला नेम के थ्रू ही आ, करने वाला हूँ ठीक है so, सो ये हो गया एक चीज़ अब बेसिकली हमें इसको इंपोर्ट करना है अपने सवर और जे में तो so, यहाँ पे आते हैं और लेट्स राइट कॉन्स यूज़र यहाँ यूज़र था राइट यूज़र ओके एंड यहाँ पे हम देंगे रिक्वायर एंड लेट्स गो टू ओके और अब जो कि हमने यहाँ मॉडल को इम्पोर्ट कर लिया है अब इसको सेव करते हैं एंड नाव आई थिंक डेटा बेस शुड बी क्रिएटेड सो हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं शो डी बी एस तो अब देखो यहाँ पर एक मर्न डी बी नाम का डेटा बेस बन चुका है सो so फाइनली हमने डेटा बेस को क्रिएट कर लिया अपने मोंगो डी बी में लोकली और हमने अपने मोंगो डी बी को सक्सेसफुली नोट जैसे कनेक्ट भी कर लिया है ऑल राइट सो अब जो हमारा काम है वो ये है कि सपोज़ यूज़र ने कुछ यू में जा डेटा एंटर किया तो वो चीज़ हमें बैकेंड में स्टोर करना है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट ऑपरेशन तो वो कैसे होगा सो so, उसके लिए पहले हमें एक बनाना पड़ेगा राउट या फिर ए तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ हम बनाते हैं अपना पहला क्रिएट का ए पी आई सो इट व्यू लाइक ऐप डॉट पोस्ट ठीक है पोस्ट क्यों होगा पोस्ट इसलिए क्योंकि हम डेटाबेस में कुछ चीज़ डाल रहे हैं इसीलिए रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ठीक है एंड दिस वी कैन मेक इट एज एसिंक लेट्स कम हीयर और अभी आपको यहाँ पे ये यह सोचना है कि जैसे यूज़र वहाँ पे डेटा एंटर किया वी नीड टू ग्रैब डोज डेटा तो वो कैसे होगा तो वो बेसिकली हमें सारा कुछ बॉडी में आता है तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हो लाइक uh, सपोज like हमारे पास नेम आ रहा है सो इट विल लाइक वेर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ओके कीपिंग माइंड ये नेम ही बैक फ्रंट एंड में भी आ, वैल्यू स्टोर्ड है ठीक है ये एक वे है इसका शॉर्टकट वे ये है कि हम इसको डिस्ट्रक्चराइज कर सकते हैं कैसे हम ऐसे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बेसिकली इसके अंदर जो भी डेटा है वो हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं सो so, हमारे पास है क्या नेम ई और एज है अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ अपना मॉडल तो अब देखो यहाँ पे आ, नेम ईमेल और एज है तो ये तीन चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ओके और अब बेसिकली हम क्या करेंगे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल सपोज हम असाइन कर लेते हैं यूज़र डेटा और यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है उसको हम डेटा में डालेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना मॉडल मैंने कहा था कि जो भी हम डेटा के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो सारा कुछ हम मॉडल के हेल्प से करेंगे तो बेसिकली मॉडल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है कौन सी यूज़र तो यही यहाँ पे जाएगा यूज़र सॉरी यूजर uh, डॉट अब देखो डॉट के साथ ही जो भी हमारा मोंगोडीबी uh, का फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे आ रहा है तो हमें चाहिए क्रिएट और अब बेसिकली इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट में की पेयर वैल्यू काइंड ऑफ स्टोर होता है तो हम देंगे नेम इक्वल टू नेम ठीक है देन वी कैन गिव इट एज ई मेल इक्वल टू ई और जो हमारा रहेगा एज इक्वल टू एज बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो नेम है ये नेम आपको आ रहा है फ्रंट एंड से और ये नेम जो कि हमारा बैक एंड में स्टोर्ड है उसमें हम डाल रहे हैं ओके okay? तो ये फ्लो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है और अगर किसी कारण से अगर ये डेटा नहीं जाता है सो वी नीड टू कैच इट एज़ वेल सो इसके लिए हम इस पूरा चीज़ को ना ट्राई कैच में डाल देते हैं तो ठीक है सो एंड सपोज बैकेंड में डेटा स्टोर हो गया तो उसके बाद हम रिस्पॉन्स भी भेजेंगे फ्रंट एंड में सो विल कीप इट एज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और टू ज़ीरो वन रखते हैं और हम लोग यहाँ जेसन में डेटा को भेजेंगे सो विल कीप इट एज यूज़र डेटा और वी कैन मेक इट लाइक यूज़र एडेड ओके एंड अगर ये कुछ इशू आया हमारा अगर डेटा सेंड नहीं हुआ या सपोज हमें फ्रंट एंड से डेटा आया ही नहीं सो so कुछ एरर आता है सो वील कीप इट इन बैक एंड और यहाँ पे हम लोग का होगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड फोर हंड्रेड एंड जेसन वी कैन कीप इट एज मैसेज वी कैन कीप इट एरर एरर डॉट मैसेज ठीक है uh, ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ बेसिकली जो भी एरर आएगा ना उसके अंदर एक मैसेज नाम का की होता है उससे हम जो भी आप कह रहा था वो हम देख सकते हैं वी कैन कंसोल इट एज वेल सो एरर ओके अब इसको टेस्ट करने के लिए सो विल यूज पोस्ट मैन ओके सो बेसिकली यहाँ पे हम देंगे लोकल होस्ट पाँच हज़ार एंड हमने इसको यहाँ पे पोस्ट किया चूज़ और फिर हम आएंगे बॉडी में और बॉडी में आपको जेसन के अंदर आना है और यहाँ पे हम देंगे बॉडी यानी डेटा सो so, हम लोग इसको देंगे इन अ सन फॉर्मेट सो so, सपोज़ मैंने ये दिया है नेम ईमेल और एज ठीक है और अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ so, तो देखो तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है सो लेट्स सी इन बैक एंड की क्या एरर आया ओके सो सब देखोगे एरर तो ये बता रहा है कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वो हमारा जो भी नेम है उसको रीड नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो बॉडी पार्सर को ठीक है एक आता है इसका पैकेज या फिर हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन को सो लेट्स यूज़ दैट ओनली सो मैं बेसिकली क्या करना होगा यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन अभी क्या है कि जो भी डेटा आ रहा है वो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द एंड सो लेट्स ट्राई अगेन हम यहाँ पर आते हैं और हम करते हैं सेंड तो अब देखो डेटा सेंड uh, हो चुका है अब देखो यहाँ पे टू जीरो वन आ चुका है और बेसिकली इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे अपने सी एम डी में यहाँ पे लेट मी गो टू यूज मॉर्न डी बी ठीक है uh, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कलेक्शंस है नहीं तो कलेक्शंस हमारा यूजर्स नाम का बन चुका है ठीक है कौन कलेक्शन ये कलेक्शन जो कि हमने बनाया बेसिकली आप इसको मॉडल बोल सकते हो ये वाला एंड इसके अंदर जो भी हमारा डेटा होता है वहाँ स्टोर होता है सो so, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे डी बी डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड और एंटर तो अब देखो जो हमने यहाँ पे स्टोर किया था सलमान एंड एज ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और ये ऑपरेशन करके सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे किया सेंड तो ये डेटा भी यहाँ पे स्टोर हो गया है और अगर हम जाएँ वापस यहाँ पे आ, यहाँ और ये यह किया तो तो अब देखो यहाँ पे दोनों डेटा आ चुका है बट यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है मुझे चाहिए कि जो हमारा डेट है ओके क्रिएटेड डेट वो भी साथ में अटैच हो जाए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा काफ़ी सिंपल है आप यहाँ पर आओ आप अपने यहाँ पर आओ और इसके अंदर ओके इस ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे लिख दो और टाइम स्टैम्प्स आई गेस टाइम स्टैम्प्स ही था टाइम और ट्रू ठीक है इसका मतलब साथ में टाइम स्टैम्प भी अब जाएगा तो अगर हम दोबारा से टेस्ट करें आई नो मैं सारा एक्टर्स का नाम लिख रहा हूँ मुझे तो एक्चुअली कोई नाम याद आ नहीं रहा है इसलिए से सेंड करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे अपना क्रिएटेड और अपडेटेड डेट भी आने लगा साथ में तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है ठीक है सो so, या हमारा क्रिएट ऑपरेशन अभी सही से काम कर रहा है अब हम आते हैं गेट ऑपरेशन में गेट यानी जो भी डेटा data आपके डेटा में है वो सारा एक बार में गेट हो जाए तो हम बेसिकली अगर यहाँ पर आके अगर सेंड करते हैं तो ये तीनों डेटा जो हमने यहाँ पर स्टोर किया है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाना चाहिए सो फॉर देट लेट्स गो टू आवर कोड ईयर गेट तो हमारे यहाँ पे है एक्चुअली बना हुआ यहाँ पे हम थोड़ा कुछ ऐड करते हैं उसमें क्या ऐड करेंगे हम करेंगे कॉन्स्ट uh, शो ऑल कुछ भी यहाँ आप नाम दे सकते हो जट्स नॉट कंपल्सरी और यहाँ हम करेंगे यूजर्स जो कि हमारा मॉडल का नाम है डॉट फाइंड और बेसिकली सारा चीज़ को हम यू नो ए का वेट में कन्वर्ट कर देंगे ऑल right. बस हो गया इतना ही था ट्राई कैच में आओ और सेम चीज़ फॉलो करो जो हमने ऊपर किया था लेट मी कॉपी दिस ओनली इट विल बी एजियर सिंपल ठीक है और कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है एंड uh, यहाँ पे हम करेंगे गेट हो रहा है तो वी कैन कीप इट एस 200 ठीक है और जो भी डेटा है शो ऑल वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे शो ऑल में एंड एरर जो भी आएगा वो यहाँ पे शो करा देगा एरर आप दे सकते हो 5000 हज़ार आई मीन फाइव हंड्रेड ऑल राइट सो लेट्स टेस्ट दिस सो लेट मी गो टू द पोस्टमैन और यहाँ पर पाँच दिया हुआ है सेंड आप देखो सारा डेटा हमारे पास आ रहा है लेकिन आप देखो यहाँ तो हो क्या रहा है कि हम एक ही फाइल में यानी जो सवरड जेस है उसी के अंदर हम सारा कुछ डालते जा रहे हैं जो कि सही नहीं है और हमारा फाइल काफ़ी क्लमज़ी भी लग रहा है सो हम बेसिकली अब ऐड करने वाले हैं राउटिंग फीचर यानी हम एक और बनाएंगे फोल्डर जहाँ पर हमारा सारा राउट्स रहेगा सारा ए रहेगा और हम लोग सिर्फ उसके यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारा मेन फाइल है उसके लिए हम आते हैं बैकेंड में राइट क्लिक न्यू फोल्डर मेक इट एज राउटर और राउट्स एंड यहाँ पर हम बनाएंगे यूज़र राउट डॉट जे एस और अब बेसिकली हम आने वाले यहाँ पे और हम कॉपी करेंगे अपना जो भी ए पी आई बनाया सपोज हमने ये दो बनाया अभी तक इसको हम कट करते हैं यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं ठीक है और जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है जैसे ऐप uh, रिक्वायर्ड है एक्सप्रेस रिक्वायर्ड है मोंगूज भी रिक्वायर्ड है गेस ये सब हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं ओके okay, और अब देखो कि जो हमारा यूज़र है वो भी रिक्वायर्ड है सो यूज़र इक्वल टू रिक्वायर यहाँ पे हम आते हैं मॉडल स्लैश यूज़र मॉडल ऑल और अब हम एक और पैकेज का यूज़ करेंगे जो कि एक राउटर uh, जो कि हमें एक्सप्रेस से आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है सो वी कैन कीप इट एज़ एंड ऐसा कुछ होगा एंड वी कैन रिमूव दिस यू नो इम्पोर्ट ही और अब हम क्या करने वाले हैं uh, हम यहाँ पे अब देंगे राउटर जो हम ऐप लिखे थे यहाँ पर रहेगा राउटर विच मीन्स कि इस ऐप का भी यहाँ पे काम नहीं है वी कैन रिमूव दिस एंड यहाँ पे भी होगा राउटर ठीक है और अब हम क्या करेंगे हम इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं सो so, हम यहाँ पे आएंगे और अब हम इसको इंपोर्ट uh, करने वाले हैं अपने मेन फाइल में जो कि एस सबर और जी सो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे हमें अब इस यूज़र का यहाँ पे नीड नहीं है ठीक है वी कैन रिमूव दिस एंड हमें और के चीज़ की नीड नहीं है बाकी सब का आइए yes, हमें नीड है इस ऐप का भी आई थिंक यहाँ नीड नहीं है नो no, ऐप का नीड है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐप यूज़ कर रहे हैं हम आते हैं नीचे यहाँ पर और यहाँ पर हम इम्पोर्ट करते हैं कॉन्सट यूज़र सो बेसिकली राउट्स के अंदर जो हमने बनाया है यूज़र आउट हम उसको बेसिकली इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे सो so ये नाम और ये नाम सेम रखो या फिर अलग रखो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है और हम यहाँ पे आते हैं और हम करेंगे एप डॉट यूज़ एंड हेयर वी गो पेस्ट दिस एप डॉट यूज़ यूजर आउट ओके ओके सो एक बार सेव ऑल करने के बाद आप वापस जाओ अपने पोस्टमैन में एंड लेट्स जस्ट इट्स वर्किंग अनोट सो हम यहाँ पर आते हैं और करते हैं सेंड तो अब देखो अभी भी सही काम कर रहा है ठीक है यानी जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमने राउटिंग ऐड किया है वो सही काम कर रहा है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक और चीज़ आ, अभी क्या हो रहा है कि अब अभ, अभी जो हमारा यू है वो स्लैश पर काम कर रहा है ओके बट अब चाहो तो, तो आपको इसमें ऐड भी रहता हो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने सपोज़ लिख दिया आ, स्लैश ए पी आई स्लैश यूज़र ओके सो so, अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसके बाद इसके बाद ये वाला यू आर एल ऐड होगा यानी अभी हमारा जो बाई डिफ़ॉल्ट बन गया है लोकल होस्ट पाँच हज़ार वो हो गया है लोकल होस्ट पाँच हज़ार स्लैश ए पी आई स्लैश यूज़र अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी अभी सपोज यहाँ पर सिर्फ पाँच हज़ार है मैं यहाँ पर सेंड किया तो अभी एरर आ जाना चाहिए लेट मी सेव इट आई हैव सेव्ड या सेव किया मैंने यहाँ पर आते हैं सेंड किया यहाँ देखो एरर दिखा रहा है लेकिन मैं यहाँ पे अगर जैसे ही ऐड करूँगा ए पी आई स्लेश यूज़र और मैं सेंड किया अब देखो अभी हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आने लगा सो so बेसिकली ये भी एक चीज़ है यहाँ पे बट फिलहाल के लिए मैं इसको खाली रखता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ ना करूँ अभी सो so हमने बेसिकली क्रिएट और रीड ऑपरेशन बना लिया है ऑल डेट सो जो हमें नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिलीट ऑपरेशन बट उससे पहले ना हम एक और ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं जो है गेट सिंगल यूज़र यानी इसके द्वारा हमारे पास सारा यूज़र आ रहा है बट सपोज हमें कोई सिंगल यूज़र चाहिए ऑन द बेस ऑफ आई डी या फिर नेम या फिर ई मेल ओके सो फॉर देट हम लोग क्या करेंगे हम लोग ना एक्चुअली टाइम सेव करेंगे इसी को पहले यहाँ पर कॉपी करते हैं पूरा चीज़ को और हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ऐड करेंगे फ़ाइंड की जगह फाइंड बाई आई डी ओके और इसके अंदर हम डालेंगे आई डी और अब सवाल है कि ये वाला आई डी कहाँ से आएगा सो so बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी यू आर एल में पास करते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप आओगे मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँगा ठीक है जस्ट वेट हम लोग ना कॉन्स करते हैं यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर आई डी बाहर निकालेंगे कहाँ से रिक्वेस्ट डॉट परम से ठीक है बेसिकली यू आर एल से आई डी बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स और जो भी यूज़र एंटर कर रहे इनपुट फील्ड वहाँ से बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ओके फिलहाल के लिए इतना समझ लो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंगल यूज़र और ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ठीक है इसके बाद हम लोग आते हैं डिलीट ऑपरेशन में सो डिलीट है इसके लिए भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं ये वाला चीज़ और यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे भी हमें एक्चुअली आईडी ही आएगा ठीक है सपोज किसी बंदे ने एक सिंगल यूज़र पे हिट किया तो उसका आईडी हम लोग पहले यहाँ से ग्रैप करेंगे और वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे एंड यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या करेंगे फाइंड आई डी एंड डिलीट या ये एक फंक्शन uh, है इसके द्वारा आपका आई डी रिमूव हो जाएगा बेसिकली पूरा यूज़र रिमूव हो जाएगा एंड ये जो पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आई डी है ना ये वाला आई डी ये है ठीक है जो कि यूज़र uh, ने हिट किया है और ये वाला आई डी बेसिकली है ये आईडी जो बाय डिफॉल्ट हमें डेटाबेस बेस बना के देता है ये वाला ठीक है तो हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं एंड देन यहाँ से हम लोग एक सिंगल यूज़र का डेटा पिक कर सकते हैं ऑल राइट सो एक बार इसको हम लोग देखते हैं पोस्टमैन में ये सही से ये काम कर रहा है नहीं देखते हैं कि सिंगल वाला काम कर रहा है नहीं ठीक है तो सिंगल के लिए हम क्या करेंगे ना पहले इसको हम करते हैं सेंड यहाँ पे ओके okay, कुछ एरर आ गया ओके सॉरी सो मैंने यहाँ पे ए पी एस यूज़र लिखा हुआ है रिमूव करते हैं यहाँ पहले हम लोग गेट करते हैं सो so गेट से हमारे पास सारा डेटा आ गया अब मुझे एक सिंगल डेटा चाहिए तो मैं उसका पहले आईडी डी यहाँ पर कॉपी करूँगा और मैं आता हूँ गेट सिंगल यूज़र में और यहाँ पे ना हम लोग उसको पेस्ट करेंगे ठीक है और यहाँ देता हूँ मैं पाँच एंड लेट्स हिट तो यहाँ पर आ गया एडर के नॉट गेट दिस आई डी और लेट्स माई बैड एक्चुअली यहाँ ना आपको ऐसा लिखना है आई ठीक है तभी वो आई हम ग्रैप कर सकते हैं और अब सेव करते हैं वापस से और आते हैं अपने यहाँ पे और सेंड तो अब देखो अभी हम सिंगल यूज़र का आईडी डी यहाँ से पिक कर पा रहे हैं ऑल और अगर हमें इसे रिमूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ना राउटर डॉट डिलीट हो जाएगा नॉट गेट सेव करते हैं एंड अभी हम पिक करते हैं कोई एक आईडी सपोज़ मैं ये सलमान वाला आईडी ही पिक करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे डिलीट में यहाँ मैंने दिया पाँच हज़ार और सेंड तो ये रिटर्न कर रहा है वो आईडी जो कि रिमूव हो गया है सो लेट्स गो टू गेट और अभी हमारे पास ये सलमान मुझे नहीं दिखना चाहिए इन माई गेट क्वेरी सो अगर मैं सेंड करता हूँ तो अब देखो सिर्फ एस आर के और शाहिद है सलमान रिमूव हो चुका है सो so हमारा बेसिकली गेट सिंगल यूज़र और डिलीट भी अच्छे से काम कर रहा है नाव कम्स द लास्ट ऑपरेशन विच इज़ पुट और अपडेट बेसिकली सो यहाँ हम आते हैं ओके सो बेसिकली मैं इसके लिए भी ना कॉपी करता हूँ ये वाला वाई टू वेस्ट टाइम और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर होगा पैच और यहाँ पर होने के वाला है एक्चुअली यहाँ पर आपका दो चीज़ आएगा एक तो आएगा आई डी और सेकेंड आएगा बॉडी भी क्योंकि यूज़र एडिट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पर यू नो वो करेंगे डिस्ट्रक्चराइज नेम ईमेल ठीक है एंड अभी क्या होगा हम यहाँ पे आते हैं और फाइंड आईडी एंड अपडेट एक फंक्शन है यप yep. uh, यहाँ पे ये लेगा uh, पहले तो ये लेगा आईडी डी विच इज़ फाइन तो इसको हमें ना ऐसा लिखना है एक्चुअली आई डी कॉमा में देंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ठीक है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक आता है इसका न्यू इक्वल्स आई आई मीन इज़ टू ट्रू यानी जो भी नया डेटा है वो रिटर्न करके दो एंड हियर वी कैन राइट अपडेट यूज़र ये सब नाम देने का बेसिकली यही है कि जो हम लिख रहे हैं हमें आईडी मिले कि हम क्या चीज़ लिख रहे हैं ठीक है uh, तो बेसिकली हाँ आईडी जाएगा रिक्वेस्ट बॉडी जाएगा यानी जो भी इसमें चेंज हुआ है वो आप यहाँ पर दो एंड देन इट विल रिटर्न द यूज़र सो लेट्स सी कि ये भी हमारा काम कर रहा है नहीं तो हम आते हैं वापस से यहाँ पर पहले सेव कर लेते हैं सेव हो गया ठीक है लेट्स come to patch here and let me remove till here पाँच हज़ार दिया मैंने स्लैश किया और अब ना हम आते हैं यहाँ पे गेट में और ये एस आर के वाला का हम लोग आई डी पहले कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं और अभी एस आर के जगह नाम कर देंगे शाहरुख ओके okay. और बेसिकली अभी अपडेट हो जाना चाहिए सो लेट्स क्लिक ऑन दिस सेंड और अब देखो यहाँ पे हमें अपडेटेड यूज़र मिल रहा है सो so अगर अभी मैं जाऊँ यहाँ पे गेट में और मैं अगर सेंड करूँ तो अब देखो यहाँ पे शाहरुख का नाम चेंज होकर शाहरुख हो गया आई मीन एस आर के चेंज होकर शाहरुख हो गया वी कैन डू दिस फॉर ई मेल एज वेल हम लोग यहाँ पे आके यहाँ डाल देंगे ई मेल ठीक है और यहाँ वी कैन मेक क्या शाहरुख एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है और सेंड तो अब देखो यहाँ पे ये यह चेंज हो गया है यहाँ पे आएंगे सेंड करेंगे चेंज हो गया है एंड इतना ही नहीं आप चाहो तो आप एक साथ दो तीन डेटा भी चेंज कर दो क्योंकि हम लोग यहाँ पर टोटल ले रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सो या बेसिकली हमारा सारा कुछ अब सही से काम कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम आवर क्रिएट ऑपरेशन दैन रीड ऑपरेशन दैन डिलीट एंड देन अपडेट सो फाइनली हमारा बैक एंड अब ऑलमोस्ट रेडी है ना विल हॉप ऑन टू फ्रंट एंड और हम लोग अपना फ्रंट एंड बिल्ड करना शुरू करते हैं सो so, फ्रंट के लिए हम यहाँ पे आएंगे इस प्लस वाले पे और हम टर्मल के थ्रू पहले जाएंगे फ्रंट एंड फोल्डर में ठीक है और यहाँ पर लिखना है आपको एनपे में स्टार्ट एंड so, हमारा सही से रन कर गया है पहले तो बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर्स और आइकॉन्स मिलते हैं जिनका हमें यूज नहीं है उसको हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो अभी हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है बिल्कुल सही अब बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए कुछ फॉर्म्स जहां पे यूज़र के लिखे सो so, मैं टाइम सेव करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ बूट स्ट्रैप का सो so, मैं जाऊँगा यहाँ पे बूट स्ट्रैप में ठीक है एंड लेट्स कॉपी दिस सी एस एस और हम लोग जाते हैं वापस से कोड में एंड एल गो टू इंडेक्स डॉट एच एम एल और यहाँ पर ऊपर पे मैं सी एस एस देता करता हूँ आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है राइट सो so, अभी अगर देखें कि ये हमारा सही से काम कर रहा है नहीं सो लेट्स लेट मी फर्स्ट क्लोज ऑल द बैक एंड फोल्डर्स यर यहाँ पर मैं लिखूँगा बटन एंड क्लास नेम देता हूँ बी टी एन बी टी एन प्राइमरी और सेव किया मैंने यहाँ गया सो so, यहाँ पे आ रहा है सो so, अब सो so बेसिकली हमारा सही काम कर रहा है सो so, अब हम क्या करते हैं पहले हम बनाएंगे ऊपर पे एक नैफ बार ठीक है तो जल्दी से हम उठाते हैं यहाँ से एक नेफबर कॉम्पोनेंट सो लेट मी जस्ट सी सो एक सिंपल सा नेफबर पहले यहाँ से पिक करते हैं जिसमें कुछ लिंक्स रहें और बटन सो आई गेस ये वाला सही है इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू फ्रंट एंड और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे, ठीक है सो इनसाइड फ्रंट एंड इनसाइड साइड एस आर सी विल मेक अ फोल्डर और इसके अंदर हम बनाएंगे ठीक है पे paste, uh, right. को करते हैं क्योंकि नैब इसका एक मेन ऊपर पे है ही एंड टू सी दिस देखने से पहले पहले हम इसमें ना uh, कुछ कुछ चीजें रिमूव कर लेते हैं जैसे कि ये सब एल जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है या जिसका हमें नीड नहीं है सो so, ये तीनों एल आई यहाँ से रिमूव कर करते हैं हम ठीक है एक एल ये हो गया जो कि रहेगा हमारा होम लेट मी कीप वन मोर ये फीचर्स भी रखते हैं हम लोग सो so, ये लिस्ट को हटाते हैं एंड ये वाला हटाते हैं दो तो चीज़ एंड ये एल रहेगा इसको भी कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे ना दो चीज़ रहे एक तो हो गया होम विच इज़ आवर मॉर्न ऐप ये बेसिकली आप इसको लोगो मान लो ये रहेगा हमारा क्रिएट पोस्ट और ये रहेगा हमारा बेसिकली ऑल पोस्ट ठीक है और एक और चीज़ आप देख लो आप जब भी ना बूटस्ट्रैप से कॉपी करते हो अपने रिएक्ट में सो so हमेशा आपको ना क्लास मिलेगा क्लास नेम नहीं मिलेगा बट रिएक्ट रीड क्लास नेम उसके लिए आप क्या करना आप कंट्रोल एच दामना और आप क्लास लिखना फाइन में और रिप्लेस में क्लास नेम ओके और ये वाला रिप्लेस ऑल वाला जो बटन है इसको आप हिट कर दो तो सारा क्लास का नेम हो जाएगा क्लास नेम एंड नाव विल सेव इट एंड कॉमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से सो नैव बार राइट सेव किया एक बार सेव ऑल ओके नाउ लेट्स गो हेयर एंड लेट्स सी ओके तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सारा कुछ ओके okay, सब इसके लिए मन हो जाता है नैब बार के जगह पे सो so, उसके लिए हम लोग दोबारा आएंगे yeah. so, let's keep this as और ये वाला यहाँ से हटा ही दो अभी हमारा सही हो गया ठीक है बट अब एक और चीज बाकी है इसको क्लिक करने पे इट शुड गो टू क्रिएट पेज और इसको क्लिक करने शुड गो टू ऑल पोस्ट पेज तो उसके लिए हमें इसमें राउटिंग ऐड करना पड़ता है सो राउटिंग के लिए हमें एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करना होता है सो मैं यहाँ पे आता हूँ मैं करता हूँ कंट्रोल सी एन पी एम आई रियक्टर डॉट सो ये हो गया इंस्टॉल अब हम आते हैं अगेन ऐप में और यहाँ पे ना हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारा मेन ऐप है उसमें हम राउटिंग को डालने वाले हैं वो कैसे होगा सिंपल है आप यहाँ पे लिखो आ, या। पहले आता है ब्राउज़र राउटर ओके okay. सो so, मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना है ऊपर से सो so, यहाँ से बेसिकली हमें इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर को देन राउट्स को राउटर को एंड देन राउट को ठीक है ये तीन चीज़ भी इसके लिए हमें इम्पोर्ट करना है और ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब कैसे दिखाता हूँ तो ये हमारा हो गया ब्राउज़र राउटर ठीक है इसी के अंदर सारा कुछ रहेगा तो इवन आप डिव भी जाओ तो आप इसके अंदर डाल सकते हो लेट्स मूव दिस डि ठीक है ये बार को मैं अभी के लिए यहाँ पर रिमूव करता हूँ अब ब्राउज़र राउटर के अंदर और लेट्स कीप दिस डिव आउटसाइड ओनली बिकमिंग कंफ्यूजिंग ठीक है ब्राउजर ऑर्डर के अंदर आपका होगा राउटर ठीक है और इसके अंदर हम लिखते हैं राउट so एक करिए है और अब इस राउट में आपको लिखना है क्या क्या पहला होगा आपका पाथ तो एग्जैक्ट पाथ दे दो आप ऐसे और यहाँ पर हो जाएगा स्लैश और सेकंड होगा आपका एलिमेंट्स एंड एलिमेंट में आप डाल दो सपोज आप एक नया बनाते हो क्रिएट एलिमेंट तो मैं क्रिएट नाम से यहाँ पे डाल देता हूँ एंड ऑफ कोर्स आई नो रिएक्ट कर चुका एक नया वर्जन भी आ चुका है जहाँ हम प्रॉपरली लिखते हैं एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सब कुछ बट मैं अभी के लिए ये हल्का सिंपल है इसलिए मैं ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ओके सो राउटर हो गया नॉट राउटर एक्चुअली यहाँ पर राउट होगा ठीक है ये वाला राउट यहाँ पर होगा एंड सिमिलरली वी ये ना एड मोर सो एक हो गया हमारा आउट सेकेंड होगा हमारा लेट्स मेक इट एज ऑल एंड थर्ड होगा हमारा अपडेट यहाँ पे हुआ क्रिएट यहाँ पे होगा लेट्स मेक इट क्या रीड और यहाँ पे होगा अपडेट ये सब इसके लिए कॉम्पोनेंट है जो कि हमने बनाया नहीं है अब बनाएंगे इस कॉम्पोनेट्स के अंदर आते हैं यहाँ पे राइट क्लिक न्यू क्रिएट डॉट जे एस एक्स ठीक है आर एफ सी सेव देन Read dot JSX, एस एक्स आर एफ सी एंड देन अपडेट डॉट जे एस एक्स आर आई एफ सी फिर हम ऐप में आते हैं वापस से और इन सारों को इम्पोर्ट करते हैं पहला इम्पोर्ट हो गया सेकेंड इम्पोर्ट थर्ड इम्पोर्ट एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम क्रिएट रेट बट आप यहाँ पे नाम दो एक्चुअली ये एक फॉर्म होगा देन यहाँ पे ऑल डेटा शो करेगा तो उसके लिए आप एक सही नाम दे सकते हो बट मैं अभी आप लोग के समझने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा नाम दे रहा हूँ ठीक है और मैं यहाँ पे करता हूँ एनपे में स्टार्ट नाउ सो अभी बाई डिफॉल्ट आपको क्रिएट दिखना चाहिए बिकॉज इट इज़ इन स्लैश सो लेट मी गो हियर ऑलराइट सो बेसिकली दो फॉल्ट हो गया था एक मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिया था इट शुड बी एलिमेंट और सेकंड यहाँ पे राउट्स होगा ना कि राउटर ठीक है सिमिलरली मैंने इसको भी यहाँ भी चेंज कर दिया और अगर अब हम जाते हैं अपने कोड में एंड रिफ्रेश तो देखो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके ऑल कर दूँ तो अभी आएगा रीड और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ अपडेट तो अभी आएगा अपडेट ठीक है बट अब बोलो कि नेफ बार कहाँ गया सो so, अब इसके लिए नैफ बार के लिए हमें नैफ बार को कॉमन रखना है सब में उसके लिए हम ब्राउज़र राउटर के अंदर लिखेंगे नैफ बार ठीक है ध्यान रहे इसको आप राउट्स के अंदर मत डाल देना इट शुड बी बिलो ब्राउजर राउटर ओनली सो यार ये तीनों को अवेलेबल हो एंड नाउ इफ़ आई गो तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है सब में आ रहा है इवन इफ़ आई गो टू सॉरी देखो यहाँ पे भी है अब एक और चीज़ बाकी है कि इसको हिट करने पे ये क्रिएट पोस्ट या ऑल पोस्ट दे शुड चेंज यूज़र यूज़र तो अब मतलब यहाँ पे जाके तो खैर ऐसे ऑल या फिर अपडेट नहीं लिखने वाला है सो फॉर दैट वी नीड टू ऐड लिंक्स ओवर दिस नेफ बार सो मैं आता हूँ नैफ बार में और यहाँ पर ना हम लोग आते हैं ऊपर और क्रिएट पोस्ट यहाँ पर है राइट right? हम लोग यहाँ पर डालते हैं लिंक ऐसे एंड दिस लिंक इज़ अगेन कमिंग फ्राम रिएक्ट राउटर डॉम ओनली सो so, ये लिंक हो गया और लिंक में एक आता है टू टैग सो so, मैं टू डाल देंगे यहाँ पे और टू में आप दोगे ये वाला पाथ सो क्रिएट पोस्ट का क्या था पाथ इसका पाथ था क्रिएट uh, का स्लैश था ओके okay. सो so, यहाँ पे हो गया स्लैश विच इज़ फाइन इसको एच को मैं रिमूव करता हूँ सिमिलरली जो हमारा uh, ये था ऑल पोस्ट था उसमें भी हम एंकर टैग को हटा के यहाँ पे लिंक डाल देते हैं और इसका भी एच का जगह हो जाएगा टू और यहाँ पे हम डाल देंगे स्लैश ऑल लेट्स सेव इट एक बार सेव ऑल करते हैं सेव ऑल ही है लेट्स टू द कोड अगेन क्रिएट पोस्ट ऑल पोस्ट आप देखो अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारे यहाँ पे ठीक है अब हमारा पहला काम है कि हमें एक फॉर्म चाहिए इस क्रिएट के जगह और यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वो सारा डेटा बैकेंड में सेव हो सो लेट्स बिल्ड दैट तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पहले लिखते हैं एक क्लास नेम शुड बी कंटेनर और यहाँ के दो उसको एम वाई टू कर दो ठीक है और इसके अंदर भी होगा ना एड वन एच uh, जो कि रहेगा एच टू एंड विल कीप इट एज क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और ये रहेगा एंटर डेटा ओके एंड अब यहाँ पे ना हमें एक चाहिए फॉर्म तो उसके लिए हम आएंगे बूट में और बूटसएप में आपको काफ़ी सारा फॉर्म का टेम्पलेट मिल जाता है बाई डिफॉल्ट सो विल कॉपी दिस सिंपल वन कॉपी करते हैं यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं ठीक है एंड अगेन यहाँ पे आपको क्लास का जगह क्लास नेम मिलेगा एंड और भी यहाँ पे आपको एक और एरर रहेगा वो ये कि इनपुट टैग कि यहाँ पर ना क्लोजिंग नहीं है तो आपको यहाँ पे आके ना ऐसे स्लैश लिखना पड़ेगा सो so पहले इसको हम फिक्स कर लेते हैं सो so जो भी बेकार चीज़ें हैं जैसे ये फॉर्म ये सब ये फॉर आई मीन तो बेसिकली पहले जो भी यहाँ पे कहा चीज़ है वो सब हम रिमूव कर देते हैं ठीक है दिस इज़ अ चेक बॉक्स लेट्स रिमूव दिस एज वेल एंड यहाँ पे भी इनपुट में मैं क्लोजिंग लगा देता हूँ एंड वी कैन रिमूव दिस आई डी एज वेल आई डोंट थिंक वी नीड आई डी एज ऑफ नाउ ओके सो बेसिकली ये ई मेल है हमारा फर्स्ट था नेम सो विल जस्ट कॉपी दिस डिफ एंड यहाँ पे आके ना डाल देते हैं और ये होगा हमारा नेम सो कीप इट एज नेम हेयर एंड तुम्हारा यहाँ पे टाइप की जगह हो जाएगा टेक्स्ट सो दिस इज़ वन सेकेंड इज़ ई मेल सो ई मेल यहाँ सही है और थर्ड हमारा है एज सो so, यहाँ पे हो जाएगा एज एंड कैन कीप इट एज अ टाइप नंबर ठीक है और अब जल्दी से हम क्या करते हैं ना हम इस फॉर्म को तो यहाँ पे एक इशू है हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास लिख दिया है क्लास नेम आई मीन सो मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव करता हूँ ओके नाउ लेट्स डू कंट्रोल एच क्लास क्लास नेम एंड रिप्लेस ऑल अभी देखो सारा कुछ क्लास नेम में चेंज हो गया है लेट्स सेव इट, और अब देखते हैं कि ये चीज़ हमारा यू में दिख रहा है नहीं सो विल गो यर एंड रिफ्रेश अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा एंड द डेटा और सारा कुछ ठीक है एंड बेसिकली अब जो हमारा काम है वो ये है कि हमें ट्रैक करना है कि जो भी यहाँ पे डेटा यूज़र एंटर कर रहा है वो हम कहीं पे ट्रैक कर सकें सो फॉर देट विल यूज़ अ स्टेट सो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं यूज स्टेट ओके एंड फर्स्ट वन वी नेम सुल्की एज नेम एयर और यहाँ जाएगा सेट नेम सिमिलरली सेकेंड होगा हमारा ई ये हो जाएगा सेट ई आ, यहाँ पे इसको आप कर दो एम ये भी एम और थर्ड वन विल बी आवर एज सो सेट एज और ये हो जाएगा एज एंड दिस वी कैन कीप इट एज ज़ीरो इनिशियल ठीक है सेव करते हैं और यू सीड को हम पहले ऊपर पे इंपोर्ट कर लेते हैं और अब ध्यान देना यहाँ हम क्या करेंगे हम आएंगे इस इनपुट में और यहाँ पे हम लिखेंगे दो चीज़ एक होता है वैल्यू एंड वैल्यू विल बी आम ओके और सेकेंड होगा हमारा ऑन चेंज ओके एंड ऑन चेंज में क्या होगा जैसे ऐसे यूज़र टाइप करेगा वो सारा डेटा हम इस नेम वाले में स्टोर करवाते जाएंगे कैसे ऑन चेंज में हम बेसिकली पास करेंगे सेट uh, नेम और यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सिंपल एंड यहाँ पे हम ई लिख देते हैं इसके अंदर सेव करते हैं और रेट्स अब हम ये सेम चीज़ ईमेल और एज के लिए भी करने वाले हैं सो लेट मी कॉपी दिस राइट और अब देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं सो आई जस्ट लॉग ईयर लॉग करते हैं हम नेम कॉमा ई मेल कॉमा एज ओके एंड लेट्स गो हियर और अब देखते हैं कंसोल में टाइप होता है या नहीं सपोज मैंने लिखा नेम तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है नेम फिर लिखता तो हूँ मैं ईमेल तो अब देखो यहाँ आ रहा uh, है ईमेल एंड देन दिस वन इज एज यहाँ पे आ रहा है एज सो दिस इज़ वर्किंग फाइन सो अब जो हमारा काम है वो ये है कि जैसे ही यूज़र यहाँ पर सबमिट हिट करता है ये तीनों डेटा बैक एंड में सेव हो जाना चाहिए सो so, वो कैसे होगा उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ए पी आई सो उसके लिए हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे इस फॉर्म के साथ हम ऐड करते हैं एक ऑन uh, सबमिट नाम का इवेंट और यहाँ पे विल ऐड ऑन फंक्शन हैंडल सबमिट ठीक है और इस फंक्शन को हम पहले क्रिएट करते हैं ऊपर पे सो लेट्स मेक इट हैंडल सबमिट एंड विल मेक इट एज एसिंग ओनली और अब यहाँ पे हमें क्या करना है हमें पहला काम तो ये कि किसेंस ये एक सबमिट है तो पहले आप ई e लगाओ और यहाँ पे कर दो ई डॉट प्रवेंट डिफॉल्ट सो दैट जो फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट फशनैलिटी होता है उसे हम बंद कर सकें और फिर हम क्या करेंगे एंड सेकंड काम जो है वो ये है कि जो भी यहाँ पर डेटा है ये सारा ये हम पहले कहीं पर स्टोर कराएं तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट एड यूज़र ओके और यहाँ पर हम तीनों डेटा को ऐसे ले लेंगे नेम so, ई और एज ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट यूज़र okay. ओके और यहाँ पे हमारा जाएगा अब अवेट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट फैच सो बेस्कली ए कॉल करने के लिए आप काफ़ी सारा फंक्शनलिटी यूज़ करते हो जैसे कि एक, एक यू हो गया आ, फैच हो गया और भी बहुत है मैं अब लिए सिंपल जो दवा का इन बिल्ट होता है एफ वो यूज़ करने वाला हूँ एंड यहाँ पे अब क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा हमारा ए पी आई का यू आर एल सो जो हमारा ए पी आई का था यू आर एल वो था एस टी टी पी लोकल होस्ट इस टू फाइव थाउजेंड ठीक है और इसके बाद जो हमें यहाँ से आएगा रिस्पॉन्स वो हम यहाँ पे होल्ड करेंगे सो so, यहाँ हम करते हैं कौनस रिस्पॉन्स राइट right. और यहाँ जाएगा हमारा कौनस रिजल्ट एंड ये भी हमारा एक प्रॉमिस ही रिटर्न करने वाला है चूंकि होगा रिस्पॉन्स डॉट जी एस फॉर्मेट में बट एक चीज़ यहाँ मिसिंग है वो ये है कि ये जो हम ऐड यूज़र दे रहे हैं इसे भी हमें पास करना है तो आपको यहाँ पे कॉमा देना है और इसके अंदर हम बेसिकली लिखने वाले हैं कुछ कुछ चीज़ पहला जो होगा वो होगा कि ये किस टाइप का एस टी टी पी रिक्वेस्ट है तो ये बेसिकली है एक पोस्ट रिक्वेस्ट तो हम यहाँ लिखेंगे मेथड और यहाँ जाएगा पोस्ट ओके सेकंड ये कि इसका बॉडी में क्या किया डेटा जाएगा तो ये होगा हमारा बॉडी यहाँ पे और यहाँ हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई और यहाँ मेरा जाएगा ये एड यूज़र वाला डेटा ठीक है ये जो है ये वाला हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो इसके हम इसको जेसन में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं बैक टू द बैकेंड और थर्ड आपके पास एक कंटेंट टाइप ओके okay. तो वो बेसिकली कैसे लिखते हैं एक बार मैं देख लेता हूँ सो बेसिकली हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं हेडर्स करके और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन हाइफन जैसा ठीक है बेसिकली कॉल्स इशू से सेव करने के लिए हम ऐसा कुछ हेडर्स लिखते हैं सेव कर लेते हैं सो so बेसिकली इतना लिखने पर हमारा डेटा बैकड में आकर सेव हो जाना चाहिए बट सेव हुआ या नहीं हुआ वो देखने के लिए हम देखेंगे इसका रिस्पॉन्स सो हम देखते हैं कि इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर आ, अच्छे से सेव नहीं हुआ या फिर हमें सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो विल लॉग दिस एयर एंड विल चेक कि क्या एरर आया सो so, एरर आएगा बेसिकली रिज़ल्ट के अंदर सो रिज़ल्ट डॉट एरर क्यों क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ना यही आपका रिस्पॉन्स को स्टोर कर रहा है सो so, वो यहाँ पे आएगा लेकिन अगर सब कुछ सही है जो कि होगा इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके तो वी कैन सी रिज़ल्ट एज वेल सो हम यहाँ पे देखते हैं रिज़ल्ट सो so, सेव करते हैं ठीक है और देखते हैं कि यह हमारा सही काम कर रहा है या नहीं एंड इसके लिए आपको एक्चुअली बैकएंड में अपना स्टार्ट करना पड़ेगा सो गो हेयर सी डी बैकएंड और यहाँ पे एम पी एम स्टार्ट और सो right. so, अब हम आते हैं अपने यू uh, में रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हम बैक एंड में सही से काम कर रहे हैं नहीं सो so, या बैकएंड में यहाँ पे हमारा दो डेटा है और फ्रंट एंड में यहाँ पे हम टाइप करते हैं ठीक, और हम एक बार आ, अपना ये ओपन कर लेते हैं कंसोल एंड लेट्स सबमिट सो कुछ एरर आ गया लेट्स सी ओके सो बेसिकली बोल रहा है कि कॉर्स पॉलिसी के कारण ये ऐप का ब्लॉक कर रहा है ठीक है सो so, होता क्या बेसिकली कि हमारा फ्रंट एंड ये बोल रहा है कि मैंने सिर्फ अलाउ किया आपको ये वाला यू नो यू तो फिर एक नया यू आर कहाँ से आ गया so, सो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑरिजिन पॉलिसी इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो बट इसको ठीक करने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं पहला ये है कि आप फ्रंट uh, एंड के पैकेज डॉट जेसन में जाके आप यहाँ प्रॉक्सी एड कर सकते हो दैट इज़ वन थिंग एंड सेकेंड ये है कि हम इसको बैकेंड में ही फिक्स कर देते हैं विथ पैकेज नोन एज कॉर्स उसी के लिए मैंने आपको थर्ड पैकेज इंस्टॉल करवा रखा था जो कि हमारा बैकेंड में है ये कॉर्स ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे हम आएंगे अपने सबर और जेस में और यहाँ पे हम सिंपली लिखने वाले हैं पहले हम इस कॉर्स को ना इंपोर्ट कर लेते हैं सो कॉन्सट कॉर्स और आपको यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट यूज़ कॉर्स सिंपल ऑफ़कोर्स इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि जो भी यू आपको आता है आप सारा कुछ अलाउ कर दो सो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स गो बैक अगेन हीयर लेट मी क्लियर दिस और दोबारा से हम इसको ना सबमिट कर दें एक बार सबमिट ओके लेट मी रिफ्रेश ऑलराइट सो अगर मैं अभी यहाँ पे सबमिट करूँ तो आप देखो वो वाला एरर गया और बेसिकली सारा डेटा भी आपका आई गेस बैक में सेव हो रहा है सो लेट्स सी दैट मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ रिफ्रेश तो सबमिट यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश तो अब देखो यहाँ पे अगेन ऐड हो गया सो so बेसिकली हम फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा स्टोर करवा पा रहे हैं काफ़ी ईजिली और अगर कोई एरर आता है तो वो एरर भी हमें कैप्चर करना है तो so उसके लिए हम क्या करेंगे हम लेट्स सी हम क्या करते हैं हम ना ये काम करते हैं हम बैक एंड को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे ऐसे एंड अगर हम यहाँ पे सबमिट करें तो कोई भी हमें एरर यहाँ पे दिख नहीं रहा है ओके आई मीन एरर तो यहाँ पे आ रहा है बट वो एरर हमें यहाँ दिख नहीं रहा है में तो हम चाहें तो हम एरर यू में देख सकते हैं फ्रॉम बैक एंड सो वो भी करने के लिए हम क्या करेंगे हमें इतना मालूम है कि बैक एंड में इफ़ आई गो टू दिस यूजर आउटर यहाँ पे हमने क्रिएट में एक लिखा हुआ है रिस्पॉन्स जहाँ पे जो भी एरर आ रहा है वो एक जे, जेसॉन में आ रहा है ठीक है तो उसे हमें कैच करना है इन द यू आई तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम आते हैं क्रिएट में और यहाँ पे वे मेक वन मोर एरर सेट एरर ठीक है यहाँ पे यू स्टेट और यहाँ पे होगा क्या बेसिकली कि जैसे ही अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं गया सो जो भी एरर है वो तुम सेट सेट में डाल दो आई I मीन mean, सेट एरर में डाल दो तो इट बी लाइक रिज़ल्ट डॉट एरर ठीक है और अगर सब कुछ सही है तो वापस से सेट एरर को एम कर दो और एम से याद है कि हम इसके साथ साथ ना ये तीनों चीज़ को भी दोबारा से एम कर सकते हैं सो लेट्स डू दैट सेट नेम सेट एंड right. uh, हमें उस एरर को दिखाना होगा यू में तो हम यहाँ दिखाते हैं इसको ऊपर पे बेसिकली अगर एरर है तो ही ये चीज़ दिखेगा क्या होगा ये uh, इसके लिए ना, वी कैन यूज वन बूट अलर्ट एलर्ट एज वेल सो में कहता है अलर्ट ओके सो विल कॉपी दिस रेड वन सो वो है आई गेस डेंजर उसको बोलते हैं या दिस वन सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट हियर, और हम लोग क्या कहते हैं हम इसको रिमूव करते हैं ये रोल uh, को एंड यहाँ पे ना हम पास करेंगे क्या एरर राइट सो अब देखते हैं कि ये एरर हमें यू में दिख रहा है या नहीं सो लेट्स गो हेयर अगेन एंड लेट्स मी सबमिट तो एरर तो नहीं दिख रहा है ओके एक्चुअली बैक एंड बंद था इसीलिए कोई भी यू नो एरर यू में जा नहीं रहा था सो so, अभी हम क्या करेंगे ना सेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हमारा ई है ना वो होगा यूनिक सो so, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक ई है शाहिद नाम का सो एल कॉपी दिस सेम ई मेल एल पेस्ट हियर ओके नाम दे दो तो कुछ भी एंड एंड लेट मी सबमिट तो देखो जैसे हमने किया सबमिट हमें बैक एंड से आ गया एरर की डुप्लीकेट की एरर मॉन्डी वी प्लाब्ला ओके सो तो बेसिकली हम बैक एंड का एरर फ्रंट एंड में दिखा पा रहे हैं इतना ईजली और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ एंड सबमिट तो अब देखो यहाँ से हट गया एरर और डेटा सबमिट हो गया ये एफ एस जी डी आई केस बैकेंड में आना चाहिए तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है सो तो अभी हमारा एकदम सही से काम कर रहा है क्रिएट ऑपरेशन अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है रीड ऑपरेशन यानी एक बार सबमिट हो जाने के बाद पेज होगा रीरेंडर रेंडर और पेज बेसिकली ऑल पोस्ट में आ जाना चाहिए रि रेंडर हो के और यहाँ पे जो भी हमने सारा कुछ ऐड किया है ये सब ये सब यहाँ पे दिखना चाहिए सो लेट्स बिल्ड दैट ओके सो उसके लिए हम पहले ना जल्दी से यू बना लेते हैं सो so, हम आते हैं रीड वाले पेज में और यहाँ पर वी नीड वन कार्ड टाइप कॉम्पोनेंट सो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम इट एज कंटेनर और एम वाई टू ठीक है और यहाँ पे ना हम देंगे सॉरी यहाँ पे हम देंगे एक एच टू टैग जो आपको ये बोलेगा कि इसके अंदर सारा डेटा है सो शो ऑल डेटा ओके और क्लास सेम रहते हैं यहाँ पे टैक्स सेंटर ऑल राइट और अब हम इसके अंदर ना बनाएंगे uh, एक रहेगा हमारा पहले रो सो क्लास नेम इक्वल टू रो ओके okay. और इसके अंदर होगा हमारा कॉलम सो बेसिकली रो कॉलम क्या होता है ये आप जाके बूट में पढ़ सकते हो बट बेसिकली मैं एक ग्रिड बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि तीन तीन का वो ग्रिड जहाँ पे वी कैन शो आवर कार्ड कंपोनेंट हियर सो अब हम आते हैं बूट में और यहाँ पर देखो यहाँ पे एक कार्ड कंपोनेंट है ये वाला सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ एंड वी कैन रिमूव दिस स्टाइल विथ हीयर ठीक है और यहाँ रहेगा हमारा टाइटल विच इज़ फाइन यहाँ रहेगा हमारा ईमेल और यहाँ रहेगा हमारा एज सो ठीक so, है और ये रहेगा हमारा यहाँ पे डिलीट और ये रहेगा हमारा एडिट सिंपल सो लेट्स ये हमारे यूआई में कैसा दिख रहा है ओके okay, सो so यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है एरर क्या है ओके okay, ये एच टू होगा सॉरी एच सिक्स एस ओन एस एच सिक्स सेव करता हूँ एंड लेट्स सी इन द यू आई सो अगर मैं रीड में आऊँ तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा जो कि बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ हमारा आ जाएगा नेम यहाँ पे आ जाएगा ई मेल ओके सो आई गेस मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए कार्ड टाइटल दिस या सो आई कैन ऐड यर द स्पी टैग मैं अब इसके स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ तो अब देखो यहाँ पर अब तीन चीज़ आ रहा है जो कि सही है एक और चीज़ अगेन यहाँ पर आ रहा है क्लास सो यूनिट वेंज इट टू क्लास नेम सो उसके लिए हम क्या करते हैं ना पहले जो भी नेम है उसको मैं रिमूव करता हूँ ओके सो so मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि क्लास नेम के जगह क्लास करता हूँ इसके लिए हुआ कि जब आप कंट्रोल एच करके ना क्लास और क्लास नेम करोगे तो जहाँ जहाँ क्लास है ना वहाँ वहाँ अगेन से क्लास नेम आ जाएगा सो इट विल लाइक क्लास नेम नेम इसीलिए मैं पहले यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ एंड देन आई विल जस्ट चेंज इट टू क्लास नेम सो ऐसे कर दो और रिप्लेस uh, ऑल अभी हमारा सही हो गया लेट मी सेव एंड यप इट इज़ वर्किंग फाइन अब हमें क्या करना है हमें चाहिए सारा डेटा जो कि हमारा बैकेंड से आएगा उसके लिए हम अगेन बनाएंगे एक uh, ए पी आई और विल कॉल दैट ए पी आई सो लेट्स वेट्स मेक वन फंक्शन गेट डेटा एंड दिस विल बी अगेन एन ए सिंह फंक्शन एंड यहाँ पर न हम करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एंड लेट्स मे गेट फैच और फैच क्या करना है फैच करना है हमें बेसिकली गेट यहाँ पर हो रहा है मेरा गेट सो एस टी टी पी लोकल होस्ट पाँच हजार ठीक है बेसिकली जो भी यहां से हमें मिल रहा है रिस्पांस, दैट आई एम गोना अगेन यू नो ग्रैब, सो ये भी एक आएगा प्रॉमिस सो अवेट रिस्पांस. डॉट जेसन फाइन एंड अभी हमें इस सारा डेटा को uh, कहीं पे स्टोर करवाना होगा सो so, उसके लिए विल क्रिएट वन स्टेट सो लेट्स मेक इट एज डेटा एंड यहाँ पे रहेगा सेट डेटा ठीक है एंड यहाँ पे हम कर लेंगे यूज स्टेट सिंपल एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर पे इंपोर्ट हो गया एंड जो भी डेटा हमें यहाँ आएगा ये सारा मैं चाहता हूँ कि इसमें स्टोर हो जाए हमारा सेट uh, डेटा में सो so, ऐसे बट अगेन मैं चाहता हूँ कि जब रिस्पॉन्स सही से आए तो ही सो so, अगर रिस्पॉन्स में कुछ एरर है तो इसके लिए एरर हैंडलिंग वाली चीज़ आपको लिखना ही चाहिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस सो रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर कुछ एरर है सो अगेन आई विल सेट एन एरर तो उसके लिए मैं करता मैं यहीं पाता हूँ और यहाँ से ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो हमने लिखा था पहले लेट मी कम टू कहाँ गया रीड और ये सेट एरर चुकी है नहीं तो इसको मैं बनाता हूँ एल कॉपी दिस अगेन फ्रॉम हियर एंड आई पेस्ट इट हियर आई होप आप लोग को फ्लो मिल रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली एरर जो भी आएगा वो हम चाह रहे हैं कि फ्रंट एंड में हमें दिख जाए तो वो हमने यहाँ पर किया और सेकेंड है किया अगर सब कुछ सही है देन आप क्या करो आप सेट कर दो डेटा को ये वाला जो डेटा है ये बेसिकली सेट हो जाएगा यहाँ पे सो लेट्स गो टू द ओके सो बेसिकली होगा क्या कि ये जो सेट डेटा है ना इसमें ये रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल राइट right, और अभी हम क्या करेंगे हम देखते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं तो so उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप ध्यान दो यहाँ पे जब भी यूज़र यहाँ से क्रिएट पोस्ट से सबमिट हिट करेगा तो वो आएगा इस पेज में तो ये पेज एक बार रीलोड होगा तो आई वॉन्ट टू शो ऑल दिस डेटा जब ये पेज एक बार रेंडर हो उसके लिए विल यूज़ यूज़ इफेक्ट तो यहाँ पर आपको लिखना है यूज़ इफेक्ट ठीक है और लेट मी रिमूव ऑल दिस और यहाँ पे ना आपको इस फंक्शन को कॉल कर देना है गेट डेटा को यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे यू नो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है एम टी वन इसका मतलब ये कि ये एक बार रिफ्रेश uh, होगा यानी एक बार ये सिर्फ कॉल होने वाला है सो नाव वॉट आई कैन डू इज दैट ओके इसको मैं इम्पोर्ट करता हूँ ऊपर पर पे. ठीक है यहां मैं करता हूँ लॉग और देखता हूं कि ये डेटा आ रहा है नहीं जो डेटा हमने यहाँ लिखा है लेट मी सेव दिस एंड लेट मी गो हियर अगेन तो लेट देखो यहां पे हमारे पास डेटा आ रहा है जैसे ही पेज हमारा रिलोड हो रहा है अब देखो यहाँ पे आ रहा है ये पांचों का पांचों डेटा आ चुका है अब जो मेरा काम रख गया वो ये है कि हमें इस डेटा को लूप करवाना है इसके अंदर उसके लिए हम क्या करेंगे हम आते हैं यहाँ पे इस रो के बाद एंड यहाँ पे ना हम लिखेंगे आ, क्या था डेटा था ऑड यहाँ होगा डेटा डेटा डॉट मैप ठीक है लेट साइड या एलिमेंट ऐसे और ऐसे और अब हम ये पूरा ये जो कॉलम जहाँ तक एंड हो रहा है डिव कट करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं ऑल राइट एंड सिंस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉमन ब्रैकेट सो मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखने का ज़रूरत नहीं है आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा मैप के बारे में दिस इज़ फाइन और सेकेंड ये कि एलिमेंट है तो अब हमें यहाँ पर एक चाहिए की भी सो सो दैट कोई एरर ना हो सो वी कैन मेक इट की एज एलिमेंट डॉट अंडर स्कोर आई डी ठीक है कौन सा ये आई डी ये आई डी ये वाला है ये अंडर स्कोर आई डी ऑल राइट और बास और बाकी नेम ई और एज वी कैन ग्रैब इट फ्रॉम हियर सो लेट मी गो टू कोड हेयर एंड यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट डॉट नेम यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट डॉट ई मेल और यहाँ पर हो जाएगा एली डॉट डोट एज लेट मी सेव और लेट सी कि हमारा सब कुछ सही सही आ रहा है या नहीं ओके okay, सो so अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा सही से आ रहा है इफ़ आई गो बैक अगेन टू दिस क्रिएट पोस्ट एंड लेट मी एड वन मोर आई नो मैं सारा फिल्म का ही एक्टर एक्टर्स का नाम लिख रहा हूँ बट क्या करो फोर्टी फाइव एंड सबमिट सो अभी देखो ये रिडेक्ट uh, तो नहीं हुआ बट इफ़ आई गो टू दिस ऑल पोस्ट ओके सो कुछ एरर आ गया लेट मी सी कि एरर क्या आ रहा है ऑल एड सो एज एरर बेसिकली क्या आ रहा था ना किसी ने सामने ऑप्शनल रेंडरिंग ऑन नहीं किया था तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था यानी मैंने क्या किया मैं यहाँ पे गया और यहाँ मैंने इस डेटा के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क क्योंकि ऐसा बेसिकली हो क्या रहा है ना कि सिंस हमने यहाँ लिखा है एसिंग फंक्शन तो डेटा कुछ टाइम के बाद आता है तो सेंस यहाँ पर डेटा इसको नहीं मिल रहा था इस रिज़ल्ट को यानी ये वाला डेटा हमारा एम था और यहाँ पे आ रहा था एरर की डेटा एम है तो फिर मैप मैं क्या चीज़ पे लगाऊँ तो जब तक एम है तब तक ये चीज़ रन नहीं होगा इसीलिए एज हेयर ऑप्शनल रेंडरिंग। सो हम सेव करते हैं इसको और अब दे, अब देखो यहाँ पे हमारा कैटरीना भी आने लगा सो so, अब बिल्कुल सही काम कर रहा है बस एक काम और रह गया कि क्रिएट uh, पोस्ट पे जब भी हम सबमिट हिट करेंगे देन इट शुड रीडायरेक्ट टू दिस ऑल पोस्ट पेज उसके लिए हम क्या करने वाले हैं विल गो टू दिस क्रिएट पोस्ट यहाँ पे एंड देन वी आर गो टू दिस रिस्पॉन्स ओके ओके ठीक है यहाँ पर सब कुछ होने के बाद ना यहाँ हमें चाहिए एक नेविगेट नाम का पैकेज सो विल गो हेयर एंड आई राइट हेयर कॉन्स्ट नैविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट जो कि बेसिकली इनपुट होता है रिएक्ट आउटर डोम से और ये नेविगेट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और अगर सब कुछ सही से हो रहा है तो एक बार आप सब कुछ यहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आओ और इसको आप नेविगेट कर दो किसमें नॉट डेटा ऑल देखने दो या ऑल वाले जे एस एक्स पेज में सो आई होप नाउ इट शुड वर्क फाइन सो लेट मी गो यर एंड लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर डेटा और मैंने किया सबमिट तो आप देखो हमारा पेज हो गया चेंज और यहाँ पे डेटा भी आ गया सो so बेसिकली हमारा क्रिएट और रीड ऑपरेशन बिल्कुल सही काम कर रहा है अब जो हमारा थर्ड काम है वो है डिलीट ऑपरेशन तो आइए वो देखते हैं ओके okay, डिलीट से पहले एक और चीज़ बाकी है जो हमने एरर लिखा था वो बेसिकली यहाँ पे नहीं दिख रहा है सो so वो भी हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से सो so बेसिकली अगर कुछ एरर आता है तो वो मैं चाहता हूँ कि क्रिएट uh, के टाइप रीड में भी रहे सो एल कॉपी दिस क्रिएट वन यहाँ से और सेम चीज़ मैं कंटेनर के बाद यहाँ पेश करता हूँ तो अगर डेटा ग्रैप करने में कोई भी इशू हुआ तो ये वाला रिस्पॉन्स के द्वारा एरर यहाँ सेट होगा एंड दिस वी कैन सी हेयर हेयर ओके अब हमारा काम है डेटा को रिमूव करना यानी जैसे ही यूज़र इस पर हिट करेगा इस चीज़ पे तो एक आईडी हमें मिलना चाहिए और उस आई के ज़रिए हम इस पूरे डेटा को रिमूव करेंगे जो कि हमने बैकएंड में देख रखा था सो फॉर देट वेलकम हेयर और हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग आते हैं यहाँ पे डिलीट में और यहाँ पे ना वी आर गोना मेक वन लेट से वन फंक्शन सो यहाँ पे रहेगा हमारा ऑन क्लिक और यहाँ रहेगा हैंडल डिलीट एथ हमें इसमें डेटा पास करना है आई मीन पैराथेटिस में हमें पास करना है आईडी, डी सो यहाँ पर आएंगे और हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एलिमेंट डॉट अंडर स्कोर आई और हम इसको बनाते हैं ऊपर पे सो विल कम ईयर एंड इस एसिंग के बाद कहीं पर बनाओ मैटर नहीं करता कॉन्स्ट हैंडल डिलीट राइट एंड दिस विल भी अगेन एन एसिंग फंक्शन और अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं यहाँ हम लिखेंगे कॉन्स रिस्पॉन्स और हम यहाँ लिखेंगे अवेट फैच और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट लेटरल का यहाँ पे और एस टी टी पी लिखेंगे लोकल होस्टू पाँच हज़ार और यहाँ पे ना हम स्लैश देंगे और हम लोग आईडी पास करेंगे यहाँ पे ये यह आईडी बेसिकली यहाँ से आ रहा है यानी ये आईडी बेसिकली यहाँ से आ रहा है ये वाला आईडी जो है ये यह यहाँ पे आ रहा है एंड देन यहाँ पे आएगा तो आईडी हमारे पास आ गया बट दिस इज एन डिलीट ऑपरेशन सो वी नीड टू स्पेसिफाई दैट एज वेल मा देंगे यहाँ पे लिखेंगे मेथड एंड दिस इज डिलीट ऑलराइट राइट और इसके बाद हमें चाहिए इसका रिस्पॉन्स सो कॉन्स रिजल्ट दिस विल बी अगेन सेम थिंग राइट एंड लेट्स अगेन डू दैट रिस्पॉन्स ओके एंड नॉट ओके वाला थिंग सो आल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हीयर सो अगर कुछ इशू आया दैन सेटरडे इन द ए एरर और अगर कोई भी इशू नहीं आया तो हमें कुछ यहाँ से रिजल्ट वापस नहीं चाहिए आप अगर यहाँ पर कुछ रिमूव करते हो तो आपको क्या चाहिए वापस कुछ भी नहीं आपको बस चाहिए कि ये वाला जो फंक्शन है ऑल डेटा वाला ये दोबारा से कॉल हो जाए सो विल गो हेयर एंड यहाँ पर ना हमें चीज़ करते हैं। हम सैटरडे को पहले खाली करते हैं यहाँ पे अगर कोई भी एरर नहीं है तो और वी कैन डू वन मोर थिंग वी कैन एड वन यू नो पॉप अप की डेटा रिमूव हो गया सो वॉट वी कैन डू इज हेयर दैट ध्यान देना मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ uh, कुछ नहीं है बेसिकली जब भी डेटा रिमूव होगा एक टाइम तक आपका ऊपर पे शो करेगा सेट टाइम आउट विच विल शो दैट डेटा रिमूव्ड एंड देन दोबारा से आपका फंक्शन uh, कॉल हो जाएगा इससे पहले मैं बाहर आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कि डेटा uh, लेट्स से डिलीटेड सक्सेसफुली यानी मैं यहाँ पर यह बोल रहा हूँ कि जैसे ही डेटा रिमूव होता है आप यहाँ पे शो करा दो डेटा रिमूव सक्सेसफुली और इसके बाद आ, कुछ टाइम के बाद इस पॉपअप को यानी उस वो अलर्ट को आप गैप कर दो तो मैं यहाँ पे इसको गैप करता हूँ एंड उसके बाद आप कॉल करो गेट डेटा वाला फंक्शन कौन फंक्शन ये वाला फंक्शन ये गेट डेटा ठीक है एंड ये टाइम का जगह मैं यहाँ देता हूँ सपोज दो मिनट सेकेंड यानी दो सेकेंड बेसिकली एंड लेट्स चेक कि हमारा काम कर रहा है यानी सो लेट मी गो बैक हेयर लेट मी रिफ्रेश एंड लेट मी रिमूव द शाहिद तो देखो यहाँ पे आ रहा है डिटेट सक्सेसफुली और फिर हमारा ये कॉल हो रहा है समझे हो क्या रहा है बेसिकली कि ये चीज़ हमारा एक बार शो कर रहा है ऊपर पर और दो सेकेंड के बाद ये चीज़ हट जा रहा है और दोबारा से ये कॉल हो जा रहा है आप जो आप इस कॉल का कम कर दो आपका दो सेकेंड सेव एंड डिलीट सो या दिस इज़ वर्किंग वेरी फाइन और अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी कितना है एक दो तीन चार पाँच है यहाँ पर होना चाहिए पाँच एक दो तीन चार पाँच सो हमारा डिलीट भी अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है विथ प्रॉपर पावअप एज वेल सो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं हल्का फास्ट जा रहा हूँ बट आई होप आप लोग को आइडिया मिल रहा होगा हो क्या रहा है कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे हिट कर रहा है ये वाले नो uh, डिलीट no, वाले आईडी पे इस पर वैसे ही हो क्या रहा है कि ये वाला जो हमारा यूआरएल है ये वाला रन कर रहा है एंड देन दिस गोस टू द बैक एंड विच इज़ दिस वन हियर और यहाँ से हम आई को पिक कर रहे हैं कौन सा आई जो यूज़र ने हिट किया एंड देन यहाँ पर हम फाइंड बाई आई डी एंड डिलीट नाम का मोंगोडीबी uh, का जो फंक्शन है उसके थ्रू हम डिलीट कर दे रहे हैं उस पूरे के पूरे डिफ को या पूरे पूरे डेटा बेस को आई मीन डेटा को एंड देन हमें एक रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि है सिंगल यूज़र का बट इस रिस्पॉन्स की जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं एक सिंपल टेक्स्ट जो कि होगा डिलीटेड सक्सेसफुली एंड देन वी आर गोना कॉल अगेन आवर गेट डेटा जो कि हमारा ये फंक्शन था गेट डेटा एंड अगेन हमारा जो भी रिमेनिंग डेटा है वो हम देख पा रहे हैं ठीक है आई होप इतना आप लोग समझ रहे हैं अब हमारा लास्ट फंक्शन है जो कि है अपडेट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं इसको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा सो बस थोड़ा सा वेट करो एंड दिस इज आवर लास्ट ऑपरेशन ऑल राइट सो पहले हम समझते हैं कि अपडेट ऑपरेशन का फ्लो कैसे होगा फ्लो कुछ ऐसे होगा कि हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जैसे ही हमने इस एडिट वाले बटन पे हिट किया ना ये एक नया पेज में जाएगा एंड दैट पेज विल हैव अगेन अ फॉर्म जैसा यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पे सारा डेटा प्री फिल्ड रहेगा एंड देन यहाँ पे होगा अपडेट ऑपरेशन उसको हम हिट करेंगे देन अपडेट होगा एंड दोबारा हम लोग इस ऑल पोस्ट वाले पेज में आ जाएंगे ओके okay? सो so पहला काम यह कि इस बटन पे हमें पहले लिंक लगाना है जो कि हमें एक नया पेज में ले जाए दैट विल कंटेन द आई डी ऑफ दिस पर्टिकुलर यू नो डिव और डेटा सो लेट्स गो टू हेयर और हम आते हैं ऐप में और बेसिकली ऐप में जो हमने यहाँ लिखा है ना ये uh, अपडेट ये ऐसे नहीं होगा ये होगा आईडी ओके एंड अगेन ये एग्जैक्ट हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ये आईडी इसलिए क्योंकि हर अपडेट पेज एक नया यूअर के साथ बनेगा क्यों दिखाता हूँ सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे रीड वाले पेज में और यहाँ पे ना हम आते हैं एडिट में यूर एडिट में और यहाँ पे हम इस एक जगह विल मेक इट लिंक ठीक है विच विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम एज यू नो और अब हम यहाँ पे ना इस एच डी एफ जगह हम लोग डालेंगे टू एंड यहाँ पे ना अब जाएगा क्या जाएगा बैकटिक के हेल्प से यानी आई मीन टेबलेट लिटल के हेल्प से विल पास हेयर सिंपली स्लैश होगा और यहाँ पे ना हमें मिलेगा एलिमेंट डॉट अंडर स्कोर आई डी क्यों लिख रहा हूँ ऐसा अभी दिखाता हूँ मैंने किया सेव मैं आता हूँ यहाँ पे एडिट में और मैं इसको हिट करता हूँ तो अब देखो ऊपर पे क्या हो रहा है ऊपर पे आप ध्यान देना मैं आता हूँ अगेन ऑल पोस्ट में और मैंने यहाँ पे किया एडिट अब देखो यू में क्या हो रहा है कि लोकल हाउस तीन हज़ार के बाद जो भी आई है ना वो बन जा रहा है हमारा यू का यू नो लिंक बेसिकली सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही लिंक वाले पे हिट हो लोकल हाउस तीन हज़ार के बाद आप ये वाला आईडी लगा दो ठीक है अब हम आते हैं अपने अपडेट वाले पेज में और यहाँ पे हमें चाहिए एक फॉर्म सो फॉर्म एंड में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम क्रिएट वाले ही कॉपी करते हैं सो so, राइट right. और अब हम क्या करते हैं ना हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करते हैं पहला तो ये होगा कि ये होगा एडिट ओके सो यहाँ पे हम एंटर कर, कर देंगे एडिट और सेकंड होगा हम आ, इसका नाम चेंज करके करेंगे हैंडल एडिट इस फंक्शन का नाम बेसिकली और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा ओके okay, बाकी सब ठीक है तीसरा क्या होने वाला है तीसरा होगा कि जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना ये सब नेम वेम ये सब भी हमें चाहिए सो विल कॉपी अगेन दिस एंटायर यू नो यूज़ स्टेट थिंग एंड यहाँ पे आके हम अपडेट में ऊपर पे पेस्ट करते हैं ऑल अभी आप देखो ये सब सही हो गया एंड लेट्स इंपोर्ट दिस यू स्टेट फाइन अब जो हमारा काम है वो ये है कि आ, जैसे ही ये वाला पेज आए आ, सिंगल यूज़र का डेटा हमें कॉल करना है यानी हम आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जैसे ही हम एडिट में आते हैं यहाँ पे जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म में सारा डेटा पॉपुलेट हो उसके लिए हमें पहले डेटा को कॉल करना भी पड़ेगा तो उसके लिए हम वापस से आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम बनाते हैं एक फंक्शन फंक्शन गेट सिंगल यूजर एंड ओके लेट्स मेक इट एरो फंक्शन और अब यहाँ पे ना हम लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स uh, यहाँ पे होगा वेट यहाँ पे करते हैं फिच और यहाँ पे ना लेट्स मेक इट बैक टिक। लेट्स राइट एस टी टी पी और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे ऐसे और यहाँ पे ना वे होगा ना ग्रैप दैट आई डी तो अब बात यह कि आई डी मिलेगा कैसे ठीक है ये जो आई डी हमने यहाँ पे हिट करने पे जो ऊपर पे लाया है वो कैसे मिलेगा तो उसके लिए हमें रिजेक्ट ऑर्डर हम एक देता है फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग यूज परम्स सो so, यहाँ पे ना हम ऐसे लिखेंगे कॉन्स्ट आई डी इक्वल टू यूज़ परम्स ओके सो दिस विल हेल्प इन ग्रैबिंग द आई डी फ्राम द यू आर एल एंड ये वाला आई डी हम यहाँ पर पास कर देंगे पास होने के बाद हम लोग दोबारा से लिखेंगे और लेट्स कॉपी दिस अगेन सो विल गो टू आवर रीड ऑपरेशन और यहाँ से ना हम ये चीज़ कापी कर लेते हैं बार बार क्यों लिखना है एक ही चीज़ सो रिस्पॉन्स ओके फाइन लेट्स कॉपी दिस इंटायर थिंग और लेट्स कापी दिस एंटायर थिंग टिल हीयर पेस्ट और हेयर वी डोंट नीड आवर सेट टाइम और थिंग सो लेट मी रिमूव दैट ठीक है ऑल राइट right. और बेसिकली अगर रिज़ल्ट सब कुछ सही आ रहा है देन विल रिमूव द एरर दैट इज़ वन थिंग और सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर रिज़ल्ट सब कुछ सही आ रहा है सो so मुझे सारा रिज़ल्ट यानी जो भी डेटा आएगा वो मुझे इस तीनों में स्टोर भी करवाना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमें ऑटो पॉपुलेट करना है सारा का सारा डेटा सो फॉर देट वाट आई एम डू इज़ दैट पहले मैं देखता हूँ कि डेटा आ कैसे रहे सो so यहाँ मैं लॉक करता हूँ तो मैं रिस्पॉन्स और यहाँ मैं कॉमा करता हूँ अपडेटेड यूजर और हैंडल एडिट में कुछ एरर है हैंडल अपडेट और ये हमने कॉल नहीं किया ना सो लेट्स रिमूव दिस एज ऑफ नाउ सेव करते हैं एंड यूज परम गेट सिंगल यूजर फाइन ओके फाइन सो मैं तो मैंता तो हूँ मैं इसको ना बाहर कॉल करता हूँ यूज परम्स को ऑल राइट एंड गेट सिंगल यूजर को कॉल करना भी जरूरी है सो आई कॉल इट इन अज इफेक्ट राइट लेट्स सेव यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड लेट्स कॉल इट इम्पोर्टेंट लेट्स गो इंड लेट्स गो टू एफ टू एल्फ तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है ओके okay, मैंने शायद अब नहीं लिखा है ओके okay, अब लिखा हुआ है माई बैड यहाँ पर होना चाहिए रिजल्ट न कि रिस्पॉन्स यहाँ पर आता हूँ वापस से सो यू कैन सी डेटा हमारे पास आ रहा है ओके okay, हमने यूज़ किया था ये वाला लेट मी गो बैक अगेन टू ऑल पोस्ट लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी हिट दिस शाहरुख वन तो अब देखो यहाँ पे शाहरुख का डेटा आने लगा ठीक है सो ई मेल नेम एंड एज सो लेट्स स्क्रैप दिस हम यहाँ पे आएंगे और और यहाँ लिखेंगे सेट नेम एंड यहाँ पे अभी हो जाएगा हमारा रिजल्ट डॉट नेम सिंपल सिमलरली सेट ईमेल और यहाँ हो जाएगा रिजल्ट डॉट ई मेल एंड सेट एज और यहाँ होगा रिजल्ट डॉट हो एज राइट और, और अभी क्या होना चाहिए सारा डेटा प्री पॉपुलेट होना चाहिए एज वे हिट ऑन एडिट बटन ओके सो इट्स वर्किंग फाइन अगर मैं ऑल पोस्ट में आऊँ एंड अगर मैं हिट करता हूँ इस पर ये एफ एस जी अब देखो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी आ रहा है ऑल पोस्ट कटीना ऑल राइट सो हमारा ये बिल्कुल सही काम कर रहा है अब हमारा लास्ट काम वो है कि सबमिट बटन पे हिट करने पे यानी सपोज हमने यहाँ कुछ चेंज किया और सबमिट पे हिट किया तो सबमिटेड डेटा जाना चाहिए बैकेंड में और अपडेट होने के बाद द पेज शुड रिडरेक्ट टू दिस ऑल पोस्ट बैक अगेन सो लेट सी दैट सो so, उसके लिए हम क्या करेंगे हम आते हैं पहले फॉर्म में जो कि हमारा अपडेट का फॉर्म है यहाँ पे एंड यहाँ पर ना ऐड वन मोर फंक्शन हियर नॉट ऑन स्क्रॉल नहीं ऑन सबमिट होगा सॉरी और यहाँ पे लिखेगा हैंडल अपडेट बेसिकली ये सिमिलरली क्रिएट टाइप ही है सो so, कौन सा हैंडल अपडेट को हम बेसिकली यहाँ पर ना कॉल करते हैं ओके okay, सो so, मैं एक बार क्लैरिटी के लिए, लिए, लिए लिखता हूँ यहाँ पर इस फंक्शन के द्वारा वी आर गेटिंग गेट सिंगल यूजर डेटा ठीक है और अब जो हम बनाएंगे फंक्शन दैट इज फॉर सेंड एडिटेड और सेंड अपडेटेड डेटा टू बैक एंड ऑल एंड लेट्स राइट कॉन्स्ट हैंडल अपडेट एंड लेट्स मेक इट ए सिंह एंड ये बेसिकली आपका है सिमिलर टू क्रिएट सो लेट मी कापी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएट एक्चुअली ये जो है ना क्रिएट वाला फंक्शन इसको हम कॉपी करते हैं ठीक है यहाँ से ले कर लेट मी कापी इट एल ही नो वरी मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाऊँगा अभी सो so ऐसा नहीं मैं कॉपी कर तो मैं आपको समझाऊँगा नहीं ठीक है सो so अभी क्या हो रहा है ना अभी ध्यान देना अभी यहाँ पर जैसे ही ये हैंडल अपडेट वाला जो फंक्शन हिट हुआ हमें पहले तो ये वाला फॉर्म सबमिट को स्टॉप करेगा देन हम यहाँ पे ग्रैप कर रहे हैं सो वी कैन मेक इट एज अपडेटेड यूजर ठीक है अपडेटेड यूज़र यानी नेम ई और एज में अगर कोई चेंज हुआ है सो विल ग्रैप दिस इन दिस वन एंड देन हम आ, यहाँ पे हमें आना है फेच में ओके okay, एंड यहाँ पे ना हम पास करने वाले हैं लोकल ओज फाइव थाउजेंड विच इज़ राइट लेकिन यहाँ पे ऐड होगा एक और चीज़ जो कि होगा आई यानी हमें बताना है कि हम कौन सा यूज़र के लिए अपडेट कर रहे हैं सो फॉर आई डी एडिंग वी एवन हम मेक इट एज बैक टेयर और यहाँ पे ना हम ऐसे कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पास कर लेंगे आई ठीक है अब आई डी कहाँ से आएगा नीडलेस रूप से आई होप आप लोग पता होगा ये वाला आई डी वैसे ही आएगा जैसे यहाँ पे आया था सिंगल यूज़र के लिए परम्स के द्वारा ठीक है यहाँ पे आ गया एंड अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि ये चीज़ क्यों ऐसे हम लिख रहे हैं सो so, आप आ सकते हो अपने बैकेंड में जो कि हमारा राउट था और यहाँ आप देखो हमने पुच या आ, पुट या पैच को हमने कैसे लिखा था हमने ऐसे लिखा था हमने हमें बस कर यहाँ पर एक आई चाहिए जो कि होगा आई एंड देन हमें चाहिए एक बॉडी भी एंड देन हम आई और बॉडी के हेल्प से डेटा को अपडेट कर रहे हैं एंड देन वी आर सेंडिंग रिस्पॉन्स सो उसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं और हमें मिल गया यहाँ पे बॉडी ठीक है एंड हमें मिल गया यहाँ पे आईडी और अब ये जो रहेगा मेथड ना दिस वी पैच ठीक है एंड सेम थिंग हम लोग ये वाला जो बेटे यूजर है ये हम जेसॉन में भेज रहे हैं बैक एंड में और यहाँ हमने हेडर्स लगा दिया है देन हमें यहाँ आएगा रिस्पॉन्स जो कि रहेगा जेसॉन में एंड अगर कोई एरर आया तो प्लीज़ एरर को सेट कर दो अगर नहीं आया तो आ, नहीं आया देन वी हैव वन मोर थिंग अगर नहीं आता है एडिट के बाद तो सबमिट हो जाए एंड सबमिट होने के बाद दोबारा ये वाला पेज पे रिडेट हो जाए सो so, उसके लिए वट इज दैट हम ना पहले इन सब चीज़ को यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ पे नेविगेट ऑल की जगह हो जाएगा आई गेस नेविगेट ऑल इज फाइन राइट नेविगेट ऑल ही है वो चीज़ और हम एरर को पहले यहाँ से क्लियर करते हैं सो सेट ऑल राइट सो आई गेस अब सब कुछ सही से काम करना चाहिए और यहाँ बोल रहा है ई इज़ नॉट डिफाइंड सो एल गो हेयर टू दिस एसिंग एंड राइट हेयर ई सेव करता हूँ नेविगेट इज नॉट डिफाइंड ये वाला नेविगेट ओके सो हम यहाँ पे आते हैं ऊपर पे एंड हेयर डू कॉन्सिगेट यूजेट फाइन सो सारा एरर अभी रिमूव हो चुका है एंड लेट्स टेस्ट सो so, हम आते हैं अपने एंड में एंड यहाँ पे ना इस नाम को ठीक करते हैं सो एडिट एडम सलमान और यहाँ पे भी सलमान एंड लेट्स क्लिक ऑन द सबमिट तो आप देखो यहाँ पे नेम चेंज हो गया ईमेल भी चेंज हो गया और हम इस वाले पेज में आ भी गए एंड इफ आई गो टू हेयर एंड रिफ्रेश तो अब देखो यहाँ पे भी नाम आ रहा है ठीक है लेट्स ट्राई अगेन सो विल मेक इट एज एडिट हेयर कैटरीना कैफ ओके एंड आई एल चेंज ओनली नेम हयर एंड लेट्स सबमिट अब देखो यहाँ पर नाम चेंज हो गया सो फाइनली हमारा एडिट ऑपरेशन भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है सो एक बार जल्दी से हम सारा ऑपरेशन दोबारा से री चेक कर लेते हैं सो एल गोड दिस क्रिएट पोस्ट ईयर लेट मी एड सम डेटा और हम करते हैं यहाँ पर सबमिट तो हमारा यहाँ पे आ गया सारा डिटेल्स हम करते हैं इसको एडिट लेट मी ऐड हियर आदित्य शर्मा आदित्य एस एंड हियर 344 फोर्टी फोर एंड लेट सबमिट अब देखो यहाँ पे सारा कुछ ऐड भी हो गया एंड इफ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस आई जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट और ये रिमूव भी हो गया सब so इसके लिए मैंने पूरा पूरा ऑपरेशन बिल्कुल सही से काम कर रहा है एंड आई होप आप लोग को वीडियो समझ आओा मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल या बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन चूज़ किया है जहाँ पे सिंपल क्रेड यूज़ हो रहा है ठीक है एंड मैंने ईच एंड एवरी स्टेप आपको एकदम सिंपली और एकदम ईजिली समझाने का कोशिश किया है फिर भी आपको कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा सो दैट गाइज आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा एंड अगर वीडियो सही लगा मेरे समझाने का वे सही लगा ये कम्प्लीट मन स्टैक अपीलिकेशन आपको सही लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ रिगार्डिंग सॉफ्टवेयरिंग रिगार्डिंग कोडिंग एंड रिगार्डिंग वेड डेल्पमेंट बताता हूँ सो थैंक यू वॉचिंग गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर thank <laughs> you